Hey, welcome back guys, this is Raj and you are watching Raja Water Study. So friends, today I will learn about tense, which is the part of grammar. In this video, we will learn complete tense. So watching till video end, and if you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So let's begin. तो देखिए, हमने सबसे पहले टेंस लिया है। हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, यही सब हम देखेंगे आज। तो कंप्लीट दोस्तों करेंगे तो आप वीडियो में दोस्तों पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो टेंस की देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा टेंस, जितना भी टेंस होता है, सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। देखिए, मैंने टेंस का डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है इंग्लिश में, हिंदी में भी मैंने लिखा है, हिंदी में भी लिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले आप इंग्लिश का डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, टेंस किसे कहते हैं। टेंस शो दैट द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी घटना किस समय होती है, कोई भी घटना कब होती है, किस समय होती है, वही हमको बताता है टेंस, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश का डेफिनेशन लिखा है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लो, मैं हिंदी का भी दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लिख लेंगे। अब चलिए मैं आपको हिंदी में डेफिनेशन दिखाता हूँ इसका। देखिए, ये मैंने हिंदी में लिखा है। जो टेंस का हिंदी होता है वो होता है काल। इसको आप जरूर इसको जानना जरूरी है। जो टेंस का हिंदी होता है वो क्या होता है, काल होता है, ठीक है, काल होता है, ये आपको जानना जरूरी है। टेंस का हिंदी क्या होता है, काल होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है। टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। डेफिनेशन आपका, काल हमें बताता है कि कोई भी काम या कोई भी घटना कब होता है, उसे ही काल कहते हैं। तो ये हिंदी वालों के लिए, तो हिंदी में जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने लिखा दिया है, ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश में लिखा, टेंस सो दैट द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। हिंदी है, काल हमें बताता है कि कोई भी काम या कोई भी घटना कब होता है, किस समय होता है, यही हमें काल बताता है। अब हम देखेंगे कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, उसे कैसे क्लासिफाई किया गया, उसको हम देखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हम आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस कैसे, मतलब कि आप शायद पढ़े होंगे कि टाइप टेंस कैसे होता है, मतलब टेंस का टाइप कैसे होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस या टाइप ऑफ टेंस एक ही बात, इसमें आपको दिक्कत कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस देखिए, आप जो टेंस को क्लासिफिकेशन किया है वो तीन भागों में, एक तो आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये सब बात आप बेखूबी जानते होंगे पहले से भी, ठीक है। चलिए, आपने सुना होगा कि टोटल टेंस जो होते हैं हमारे वो होते हैं 12। कितने होते हैं, 12। ये आपने सुना होगा या आपको कोई या पढ़े भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे आप तो 12 टेंस होता है। ये 12 टेंस आखिर कैसे होता है वो हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं आप, जो प्रेजेंट टेंस, इसका होता है 4 प्रकार, फिर पास्ट टेंस का 4 प्रकार, फिर फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार। तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, तो अगर तीनों को ऐड करते हैं आप तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, यानी कि 12 टेंस। यही 12 टेंस हमें पढ़ना होता है। देखो भाई, टेंस एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो ग्रामर कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। जो ग्रामर में पूरा विश्लेषण है वो टेंस का ही दिया हुआ है, टेंस का ऐसा पार्ट है, उसमें अगर आप ट्रांसलेशन नहीं जानते हो तो आपको बहुत दिक्कत आती है। तो टेंस आपके लिए बहुत सीखना मस्ट है। तो वही कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए, तो टेंस 12 कैसे हुआ ये हमने देख लिया। इसके 4, इसके 4, इसके 4, 4 + 12 हो गया। देखेंगे इसके 4 कौन कौन से हैं, इसके 4 कौन कौन से हैं, इसके 4 कौन कौन से हैं। थोड़ा मैं आपको जूम कर दूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। चलिए, ये देखिए ज़रा, आप देखिए, ये आपका प्रेजेंट टेंस का हो गया, ये आपका किसका हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का। देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद मैंने बताया ना, 4 भेद प्रेजेंट टेंस का दोस्तों मैंने आपको 4 भेद बताया। तो 4 भेद कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्या है सबसे पहला आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको सिंपल मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको नहीं मिल जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, जितने भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ सारा आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। तो प्रेजेंट टेंस का देख लिया आपने, प्रेजेंट टेंस का पहला भेद टाइप क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लो आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं। इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो। कोई कोई आपको पूछ देगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताओ, या पूछ देगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको सब ढंग का आदमी मिल सकता है। तो दोनों आप याद रखना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। अब देखिए, तीसरा है आपके लिए,
तीसरा आपके लिए क्या है, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ, जो भी मैं बोला हूँ उसको आप लिख लो। अब देखो तीसरा जो आपका है, तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये तीसरा हो गया। अब लास्ट वाला जो है चौथा, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चारों टाइप जो प्रेजेंट टेंस के सिर्फ थे, किसके थे? ये चारों टाइप सिर्फ प्रेजेंट टेंस के थे। तो प्रेजेंट टेंस के चार कितने होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, वो मैंने आपको संपूर्ण विश्लेषण करा दिया, ठीक है। तो ये आप इसको चार प्रकार होते हैं, ये आप प्रेजेंट टेंस का राइट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। अब मूव करते हैं हम पास्ट टेंस के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का आपने अच्छे से समझ लिया, चलिए अब थोड़ा देखते हैं हम पास्ट टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। अब क्या देखते हैं? पास्ट टेंस। चलो भाई थोड़ा पास्ट टेंस देख लो आप। चलो पास्ट टेंस देखो। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस देखो आप। देखो पास्ट टेंस ये सब की हिंदी क्या होती है, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस, आप पास्ट टेंस के चार टाइप, पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट को आप सिंपल इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। जो पहला जो होता है ना सबका, उसमें सिंपल लगा देते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ कहीं आपको मिलेगा। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस, फिर वही बात, इसको हम पास्ट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट, PI शॉर्ट में मैंने लिखा, पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लिख लो। अब तीसरा आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा टाइप हो गया। अब चौथा आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये जो मैं टाइप करा रहा हूँ ना, ये अभी सारे में हम देखेंगे। ये मैंने क्या कहा, 12 टेंस होता है ना, 12 टेंस होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 2.5 घंटा का वीडियो होगा, लेकिन टेंस आपका दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो पूछा जाता है 5 या 6 नंबर का, से आप 10वीं का एग्जाम देते हो, 12वीं का देते हो, तो उसमें दोस्तों आपका, या कोई भी इससे 8वीं 7वीं का एग्जाम देते हो उसमें टेंस आपका पूछा जाता है, या 9th का टेस्ट पेपर देते हो उसमें आपका पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट खत्म होने वाला, सारा का सारा क्वेश्चन आप करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो 2 से 2.5 घंटे का वीडियो दोस्तों होगा, लेकिन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपका पास्ट टेंस जो हो गया वो देख लिया आपने, पास्ट टेंस आपने सारा देख लिया, ठीक है। पास्ट टेंस का कौन कौन एक बार और रिविजन करा देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट टेंस के थे। एक्सपेक्ट करता हूँ कि पास्ट टेंस के सारे टाइप्स आपको क्लियर होंगे, याद होंगे अच्छे से। नाउ नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। अब क्या देखेंगे? फ्यूचर टेंस। ये देखिए आपका, ये रहा आपका फ्यूचर टेंस। ये क्या रहा आपका? ये आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है? फ्यूचर टेंस। थोड़ा मैं अच्छे से आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए अब देखिए फ्यूचर टेंस हमारा क्या कहता है। अब हमारा ये क्या है? फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस है वही पहला प्रकार, क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए इंडेफिनिट पार्ट, इंडेफिनिट पार्ट आपको सब में मिलेगा। जैसे पास्ट का आया तो पास्ट का इंडेफिनिट भी मिलेगा, फ्यूचर का आया तो फ्यूचर का इंडेफिनिट भी मिलेगा। अब जैसे आया आपका, जैसे कि आपका आया प्रेजेंट, इसमें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला ना यहाँ पे, यानी कि इंडेफिनिट वाला पार्ट आपको तीनों में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये आपको आपको अच्छा याद करने का तरीका होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हम मैंने क्या बताया आपको, इसको आप सिंपल बोल सकते हैं, जो पहला वाला है सब में सिंपल लगा दोगे, इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं, ठीक। अब दूसरा सेम उसी तरीका है, दूसरा क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम मैंने क्या बताया, कंटिन्यूअस जहाँ है उसको आप इम्परफेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस को आप इम्परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस की जगह आप इम्परफेक्ट कर सकते हो, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो आप फ्यूचर इम्परफेक्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथा आप, तीसरा क्या है, सॉरी तीसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो लास्ट वाला आपका है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से लिख लो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों मैंने जो तीनों टेंस था आपका, उसका सारा चार टाइप मैंने दोस्तों आपको करा दिया है। इसको आप अच्छे से एक बार लिख लो दोस्तों कॉपी में, तब हम आगे देखेंगे सारे टेंस, इसमें आगे क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटना होती है। तो ये सारे टेंस आप अच्छे से लिख लो एक बार अच्छे से लिख लो, मैं आपको, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फोटो खींच लो आप। चलिए आप इसका अच्छे से खींच लो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ये जो देख रहे हैं आप, अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या, सबसे पहला भाई प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद पास्ट टेंस है, उसके बाद फ्यूचर टेंस है, यही तीनों ना आता है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का चार भेद मैंने बताया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि अब देखिए
पहला टेंस। अब हम देखेंगे पहला टेंस, ये सब तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस थे, ये सब क्या थे, ये सब आपके क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस थे, ध्यान से समझिएगा बात को। अभी टेंस आपका शुरुआत नहीं हुआ है, ये सब जो आपका था ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, मतलब टेंस को कैसे डिवाइड किया गया। अब हम मूव करेंगे पहले टेंस के बारे में, जो कि आपका है, आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जो कि आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। चलिए हम इस पर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, किस पर आ गए हैं, प्रेजेंट टेंस पे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, हालांकि ये सब पार्ट जो है हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस पहला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इसके एक तरह से कह लो ना, प्रेजेंट टेंस के ये चारों बेटे हैं, क्या एक तरह से चारों बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस के चार बेटे, पास्ट टेंस के चार बेटे, फ्यूचर टेंस के चार बेटे। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप टेंस को याद रख सकते हैं, हाँ तीनों के चार चार बेटे होते हैं। अब हम जो तीनों टेंस है इसके चारों बेटे को अच्छे से देखेंगे, ये सब कैसे हैं, हड़ामी है या अच्छा है। चलो भाई देख लेते हैं, पहला कौन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पहला बेटा प्रेजेंट का कौन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल। चलो भाई तो हम पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, हालांकि प्रेजेंट टेंस का बेटा, प्रेजेंट टेंस के बेटे को जानने वाले हैं, तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस को यानी कि बाप को जान लेते हैं क्या होता है। देखो भाई इसका डेफिनेशन दिया है, अ टेंस, देखो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हो भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लिखा दिया है, अ टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग। मतलब इसका कहने का मतलब है, प्रेजेंट टेंस का मतलब, देखो प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल होता है, हालांकि इसका बात हम डिस्कस करेंगे। तो अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग, यानी कि इसका कहने का मतलब है जो भी हमारे वर्तमान में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जो भी हमारे मतलब कि वर्तमान में घटना घट रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। चलिए हम इसकी हिंदी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। चलिए ये रहा आपका हिंदी डेफिनेशन, सॉरी हिंदी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा दोस्तों, हिंदी डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, इसका मैं हिंदी डेफिनेशन बोल देता हूँ आपका, जो भी चीज़ वर्तमान में घटता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है इसको आप लिख लो, जो भी चीज़ वर्तमान में घटता है, जो भी घटना है हमारे वर्तमान में घटती है, जिसे अभी घट गया तुरंत घट गया तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। तो ये इंग्लिश का डेफिनेशन था, तो इंग्लिश में आप हिंदी में भी लिख लो, मैंने बोल दिया। ठीक है चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा कौन आएगा। यहाँ देखो आप प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा कौन है, इधर देखो ध्यान से आप, प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। चलो इसको देखते हैं पहले ये होता क्या है। चलो भाई हमारा अब आ चुका है, अब मज़ा आएगा पढ़ने में, अब मज़ा आएगा भाई, जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे वही अब हम देखने वाले। ठीक है अब मज़ा आएगा। चलो अब देखो, अब हमारा आ गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पहला बेटा प्रेजेंट टेंस का। देखो मैंने क्या कहा, इसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ये भी मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है तो कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है और मतलब यह होता है। चलो अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम कैसे पहचाने, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे पहचाना, आखिर बनाएंगे कैसे ये हम देखेंगे, कैसे पहचाने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे पहचाने इसको देखेंगे हम। चलिए देखिए आप यहाँ कैसे पहचाने ये सब देखिए, अभी सब पहचान लेंगे एक मिनट में। देखो भाई जिस सेंटेंस के अंत में ता ते ती प्लस हैं हूँ हो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। इसके कहने का मतलब है जो भी सेंटेंस हमारा होता है, जो भी हम बोलते हैं तो वो सेंटेंस बनता है, तो उसके लास्ट में अगर ता ते ती प्लस हैं हूँ हो दिख जाए ना तो वो भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। चलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, पहला क्या है मैं खाता हूँ। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए खाता, देखिए यहाँ पर ता दिखा आपको और यहाँ हु दिखा, यही ना कह रहा है हमारा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ आपको क्या दिखा, यहाँ आपको ता दिखा और हु दिखा, देखिए यहाँ यही ना कह रहा है, ता हो या ते हो या ती, इन तीनों में से कुछ भी हो और इन तीनों में से कुछ भी हो वो उसको हम भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नाम से जानेंगे, ये टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का टेंस है। ठीक है तो मैं खाता हूँ, यहाँ ता दिख गया आपको, देखो ता यहाँ दिख गया और हूँ भी दिख गया आपको, तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दूसरा डेफिनेशन है मैं नाचता हूँ, देखो इसमें भी ता आया और हूँ आया, ता हूँ दिख रहा है आपको अच्छे से। चलिए सोता है, अब देखिए ता दिखा आपको, अब है आ गया, है भी है इसमें, फिर ता खाती, इसी तरह आपको सारा मतलब कि जो ये जो मैंने लिख लिया ना आपको ये सारा आप
सारा दोस्तों आप नोट कर लो, अच्छा रहेगा आपके कॉपी में, सदा के लिए आपके कॉपी में रहेगा। ठीक है, एक बार वीडियो देख लो बस, ज़्यादा आपको देखने की बार नहीं है। चलिए तो अब देखो, अब तो ये मैंने टेंस लिख दिया, ये क्या मैंने टेंस लिख दिया, मैं खाता हूँ, मैं नाश्ता हूँ, आराम सोता है, सीधा खाते। अब भाई हम इसको बनाएंगे कैसे, ये भी तो जानना है, मैं खाता हूँ, मैं नाश्ता हूँ, आराम सोता है, सीधा खाते, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका टेंस क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, यही तो मेन चीज़ है, अब हम देखेंगे। चलो भाई इसका सूत्र होता है, चलो अब सूत्र देख लो दोस्तों, यहाँ आप क्या देख लो, सूत्र देख लो। देखो भाई अब सूत्र आपका क्या है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव, देखो सिंपल प्रेजेंट, इसका सूत्र आपका सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ वर्ब का वन होगा, थोड़ी मैंने यहाँ गलती कर दी है तो मैं आपको सुधार देता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। सूत्र में लिखता हूँ उसका, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, सॉरी ये नहीं होगा दोस्तों, मैं थोड़ी गलत जा रहा हूँ, ठीक है, सूत्र मैंने गलती लिख दिया, एक मिनट मैं इसको रेज कर देना, ये मैंने दूसरे टेंस का लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ, ये आप ये ना गलत है, इसको आप छोड़ दो, ये गलत है आपका, ये क्या गलत है, इसका सूत्र होता है आपका, वो होता है सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र होता है आपका, ये सूत्र आप लिख लो, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो वो गलती हो गई, तो ये सूत्र आपका क्या गलत है, ये गलत है, इसको मत लिखो आप, ये लिखो सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये सूत्र आपका सही है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस डाल के आप ये सूत्र लिख लो, इसी सूत्र के माध्यम से हम बनाएंगे, ठीक है, इस सूत्र को आप लिख लो। चलिए भाई तो इस सूत्र को आप लिख लिए हैं, अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अब क्या होता है, सब्जेक्ट, अब देखो सूत्र आपने लिख लिया है, चलो ये सूत्र तो गलती है भाई, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, ये गलत है आपका, ठीक है, ये आपका गलत है, इसको मत लिखना। तो मैंने सूत्र क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस एक बार और फिर से लिख देता हूँ, एम या इज या आर, सॉरी फिर मैं वही लिख रहा हूँ, तो सूत्र क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये सूत्र आपका। आपको सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, करता होता है, सब्जेक्ट मीन्स करता होता है, ये भी आप लिख लो। अब देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं। देखो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि मैं खाता हूँ, मतलब मैं काम क्या कर रहा हूँ, खाने का काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खाने का काम कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे कि मैं जो यहाँ पर है, जो मैं है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे देखो मैं नाश्ता हूँ, यानी कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, नाचने का काम कर रहा हूँ, यानी कि कर्ता उसी को कहते हैं जो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो मैं नाचने का काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी सब्जेक्ट हुआ। फिर राम सोता है, अब देखो राम क्या कर रहा है, राम भाई सोने का काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आया, चलो भाई सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है क्रिया, वर्ब क्या होता है, क्रिया, जिसको आप कर रहे हो, जिसको आप कर रहे हो वही आपका क्रिया होता है। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ देखो आप, जैसे कि आप देखो मैं खाता हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, खाने का काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, खाने का, यानी कि यहाँ खाता जो आपका यहाँ पर है, ये खाता आपका वर्ब हो गया, ये खाता आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैं नाचता हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, नाचने का काम कर रहा हूँ, नाचना आपका वर्ब हो गया। सोता, राम सोता, यानी कि सोने वाला क्या, वर्ब हो गया। सीता खाती है, सीता कौन सा काम कर रही है, खाने का, तो खाना आपका वर्ब हो गया। तो आपको वर्ब भी समझ में आया। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा लिखा है, एक मिनट आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, भी वन लिखा है। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ आपका भी वन है और भी फाइव है। अब ये भी वन भी फाइव क्या होता है, भी वन क्या होता है, देखिए भी वन ये होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं बात करूँ प्ले, पी एल ए वाई, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना होता है। अब देखिए प्ले एक क्या है, वर्ब है, प्ले एक क्या है, वर्ब है। तो प्ले जो है ये आपका पहला रूप है वर्ब का। अब जैसे इसका हम बोलेंगे, अब देखिए भी वन है, अब भी टू, तो भी टू का मतलब क्या हो गया, वर्ब का दूसरा रूप। इसी तरह भी थ्री, तो भी थ्री का क्या हो गया, मतलब वर्ब का तीसरा रूप। इसी तरह दोस्तों भी फाइव तक टोटल आपका होता है, कितना होता है, भी फाइव तक टोटल आपका होता है, तो भी फाइव का मतलब क्या हो गया, पांच वाला। इसका दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा वर्ब फॉर्म का, ठीक है। चलिए तो फिलहाल दोस्तों, तो आप यहाँ समझ पाएँ, आप यहाँ सारा चीज़ समझ पाए ना। चलो तो ये सूत्र आप लिख लिए, और जो भी फाइव जो होता है ना आपका, जो भी फाइव होता है वो होता है आपका, चलिए अब यहाँ देखिए आप कि अब टेंस जो था, सूत्र तो आपने लिख लिया, प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र तो आपने लिख लिया, ये सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सूत्र आपने लिख लिया। अब सब्जेक्ट क्या है मैंने बता दिया, वर्ब क्या होता है, भी फाइव क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है आपका कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म,
ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। जैसे कि राम एक आम खाता, ये सब अभी आप हल्के में समझ लो थोड़ी मोड़ी, जब हम इसका अलग से टॉपिक बनाएंगे ऑब्जेक्ट का। देखिए अब देखो राम आम खाता है, अब देखो राम क्या है, राम काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, हो गया जो, अब देखो राम क्या सब्जेक्ट हो गया, मैंने बताया अभी, अब राम क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो खाना आपका क्या होगा, वर्ब होगा। अब देखो यहाँ एक टॉपिक आता है, अब राम खा क्या रहा है, मतलब को राम क्या खा रहा है, तो भाई राम आम खा रहा है, तो आम इज यानी कि मैंगो इज आपका ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। आए समझ में आपको, चलिए ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए, जब मैं इसका अलग से टॉपिक बनाऊंगा वहाँ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई देखो अब हम सॉल्व करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र। चलो अब देखो हमारा टेंस यहाँ पर क्या था, देखो अब जो ये जो देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ना, मैं खाता हूँ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं खाता हूँ। अब देखिए मैं क्या, मैं का इंग्लिश होता है आई, ये सब तो भाई आपको बेसिकली पता होना चाहिए, मैं का आई होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने सूत्र जो लिखा था आपका ना, सूत्र मैंने क्या लिखा था दोस्तों, एक बार और लिख, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको तो मैं सूत्र लिखते लिखते याद करा दूंगा। चलो भाई तो ये सूत्र होता है आपका, अब देखो सब्जेक्ट वी वन, ये वी फाइव जो होता है ये आपका होता है किसी भी वर्ब के लास्ट में ऐसे आइस जुड़ना। देखो सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव, अब जो सब्जेक्ट के अनुसार वी वन लगेगा वी फाइव लगेगा, ठीक है। तो चलिए आई है तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, आई के साथ आपका वी फाइव नहीं लगेगा, आई के साथ वी फाइव आपका नहीं लगेगा, ठीक है, आई के साथ वी फाइव आपका नहीं लगेगा। तो मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ तो क्या आई ईट हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा आई ईट हो जाएगा। यहाँ सूत्र देखिए आप, सूत्र के हिसाब से सूत्र क्या आपका, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट है ना, ये सूत्र आपका। तो सब्जेक्ट क्या आई दे दिए मैं, अब देखिए वी वन या वी फाइव, अब देखिए सब्जेक्ट आई क्या, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट, आई क्या है प्लूरल सब्जेक्ट का, ध्यान से समझिएगा। चलो भाई इधर देखता हूँ मैं थोड़ा, देखो यहाँ क्या है मैं खाता हूँ, थोड़ी दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं दोस्तों आपको संपूर्ण टेंस समझा के जाऊँगा दोस्तों, टेंस में आपको कहीं दिक्कत आने वाले हो तो दोस्तों वीडियो में आप वीडियो में भागेगा नहीं दोस्तों, पूरा बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा। देखो मैं खाता हूँ, तो अभी मैंने बताया कि जो काम करता है उसे क्या सब्जेक्ट कहते हैं, खाता। सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र होता है आपको, होता है ना। अब देखो सब्जेक्ट के अनुसार हम वी वन लगाएंगे और वी फाइव, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा, देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। जो प्लूरल होगा उसके साथ हम एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे एम लगाएंगे। वैसे तो आई जो दोस्तों, आई दोस्तों सिंगुलर प्लस दोनों होता है, ठीक है। आई, आई के साथ कभी भी हम प्लूरल वर्ब भी लगा देते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन आई के साथ आप हमेशा लगाना प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो देखो तो आई है यहाँ आई, अब देखो आई के साथ क्या वी वन लगेगा, क्योंकि आई क्या है प्लूरल, आई को हम प्लूरल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो वी वन, अब वर्ब क्या है खाता, तो खाता के इंग्लिश क्या होता है आई ईट, आई ईट। अब बात है वी फाइव, वी फाइव तो नहीं, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट बस ये कह रहा है कि मैं खाता हूँ, अब क्या खाता है ये पता नहीं है। तो ये समझ में आया, अब देखिए मैं खाता हूँ, अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा है मेरा मैं नाचता हूँ, ये भी लिखा था ना आपको। दूसरा आपका देखिए यहाँ पर, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है मैं नाचता हूँ, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। दूसरा क्या है आपका, मैं नाचता हूँ, यही है ना। दूसरा आपका मैं नाचता हूँ, यही है ना। अब आप खुद से इसको बना लोगे, अब आप इसको खुद से बना लो। एक बार फिर सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र होता है। देखो अब देखो सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं कांग्रेस क्या होता है आई। अब देखो वी वन ले या कि वी फाइव, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई को हम कैसे यूज करते हैं, आई को हम प्लूरल यूज करते हैं, तो प्लूरल मतलब वी वन, प्लूरल मतलब क्या वी वन, यानी कि अब देखो नाचना क्या एक वर्ब है, मैंने बताया था मैं नाचता हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ नाचने का, तो नाचना आपका वर्ब हो गया, यानी कि हम दे देंगे आई डांस, आई डांस, इसका ये ट्रांसलेट हो जाएगा मैं नाचता हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मैं नाचता हूँ, क्या नाचता हूँ, कौन सा नाच नाचते हो, ये सब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये समझ गए आप, चलिए और तीसरा जो आपका वो देखेंगे हम। देखिए अभी ये आपका सिर्फ सैंपल है, ठीक है, अभी और बहुत कुछ है, मैंने कहा ना वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन पूरा आपको सिखा के जाऊँगा टेंशन। तीसरा आपका है, तीसरा आपका है राम सोता है, तीसरा क्या है राम सोता है। अब देखो एक बार फिर सूत्र लिख देता हूँ, राम सोता है, सूत्र क्या है सब्जेक्ट प्लस वी वन आए वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, यही सूत्र है। सूत्र लिखते लिखते ही आपको दोस्तों इतना याद हो जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम क्या है सब्जेक्ट,
तो दे देंगे राम पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ क्या भी वन देंगे कि भी फाइव। अब देखो मैंने आपको बताया था भी फाइव मतलब होता है किसी भी वर्ब के लास्ट में एस जुड़ जाना, एस या ई एस जुड़ जाना किसी भी वर्ब के, जो भी फाइव का मतलब होता है ना, ये भी फाइव का मतलब, इसका मतलब होता है किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या एस जुड़ जाएगा। अब देखिए राम क्या है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम क्या है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। जब मैं पार्ट सब इस आपको बताऊंगा तो उसमें सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, सिंगुलर कैसे होता है, प्लूरल कैसे होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक। फिलहाल आप इतना जानिए कि नाम जितना भी होता है वो सिंगुलर होता है। तो राम क्या है, सिंगुलर है, राम आपका क्या है सिंगुलर। जब सिंगुलर है राम तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जो प्लूरल है उसके साथ प्लूरल, जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर, इस बात को आप नोट रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो राम क्या है सिंगुलर है। अब देखिए सिंगुलर के साथ भी फाइव मतलब सिंगुलर होता है। तो अब देखिए राम सोता है, सोता का इंग्लिश क्या होता है स्लीप होता है, क्या होता है स्लीप होता है, सोना का स्लीप होता है। अब देखो ये क्या सही है, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि दोस्तों हम क्या बताएं आपको भी फाइव मतलब क्या होता है किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या एस जुटना, तो इसमें एस या एस जोड़ेंगे ना तो इसमें एस जोड़ देंगे। अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सही इसका जवाब हो जाएगा राम स्लीप्स, क्या हो जाएगा राम स्लीप्स, राम सोता है, राम सोता है, ठीक है। तो आप समझ पाए यहाँ पर। फिर उसी तरह सीता खाती है, तो सीता क्या है, सीता भी एक नाम है, तो इसका होगा सीता। अब देखिए खाती है, खाना क्या होता है ईट होता है। अब देखिए ये क्या सही है, बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सीता हमारा क्या है, सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ईट का हम आपको बताएं जो वर्ब होता है भी फाइव, देखिए इसके साथ भी फाइव लगाएंगे तो भी फाइव को हम कैसे बनाते हैं, किसी वर्ब के लास्ट में एस या एस जोड़ दो तो वो भी फाइव बन जाता है, तो इसके लास्ट में आप एस जोड़ दो तो सीता ईट्स, सीता खाती है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो ये देख रहे हैं आपका, ये सारा मैंने करा दिया, ये समझ भी पाएंगे आप, ये आप समझ पाएंगे। अब देखिए आप जो आपका बुक जो है, बुक से आप बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। अभी देखिए ये तो सिर्फ था किसका, ये सारा है आपका अफर्मेटिव, नोट डाउन, इसको नोट पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका क्या है, ये सारा अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे आप सकारात्मक कहते हो, इसको नोट करो आप, जिसे आप सकारात्मक वाक्य कहते हो। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये चारों टेंस, ये चारों सेंटेंस, ये सब क्या है सकारात्मक है। अब देखो सकारात्मक का मतलब क्या होता है, मैं आपको इधर समझाता हूँ डिटेल में। अब देखो मैंने क्या कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसको आप लिख लो, इसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जो अभी अभी मैंने पढ़ा, जो ये तीनों देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब देखो हम बताते हैं सकारात्मक वाक्य होता क्या है, सकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें क्या आपका निगेटिव शो नहीं करता, निगेटिविटी नहीं दिखाता, इंटरोगेटिविटी नहीं दिखाता, मतलब कि उसमें आपको नहीं वाला पर्सन नहीं इतना जानो निगेटिव वाला चीज़ दिखाएगा नहीं, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, तो नहीं आ गया ना, तो नहीं आ गया तो नहीं क्या निगेटिव चीज़ है, तो उसमें वो नहीं आया। अब देखिए इधर देखिए आप, इसमें आपको कहीं दिख रहा है, इसमें आपको मैं आप थोड़ा साफ कर देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको देखने में, इसमें आपको नहीं दिख रहा है, क्या नहीं है इसमें, और क्या है नहीं, ये दोनों चीज़ नहीं है। जब ये दोनों चीज़ नहीं रहे, आप सिंपल ले में समझिए, तो उसको हम अफर्मेटिव कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, अगर बोले सिंपल सेंटेंस, सीधा वाला सेंटेंस, इसमें नहीं और क्या वाला बात ही नहीं है, तो समझ में आया आपको, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्या था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, चलिए अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया आपने, ये जो तीनों है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये सभी टेंस में लगने वाला है, इसको आप याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों आपका सभी टेंस में लगने वाला है, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक और इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। चलो भाई, तो हमने अफर्मेटिव देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, अब कौन देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, अब लिख लो आप नेगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है, इसका नकारात्मक वाक्य होता है, मैंने बता दिया, लिख लो आप नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस किसका बना रहे हैं, देखो नेगेटिव सेंटेंस किसका बना रहे हैं,
इसका बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव बना लिए फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव तो मैंने कर लिया, चलो भाई नेगेटिव देखो। आप देखो नेगेटिव का सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र लिख देता हूँ, पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये सूत्र पहले आप लिखो, ये सूत्र पहले आप लिखो, ठीक है, सूत्र पहले आप लिखो। ये सूत्र आप किसका, नेगेटिव सेंटेंस का, ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव है, इसको आप ध्यान रखना, यानी कि भागाओं में दूसरे टेंस में चलना नहीं है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। अब देखो इसमें आपको सेंटेंस कैसे बना, जैसे कि मैं नहीं खाता हूँ, जैसे कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें देखो सूत्र के अनुसार मैं क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आई, अब देखो आई के साथ क्या है डू लगेगा या डज, देखो डू जो है ये डू जो देख रहे हैं आप, ये डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इस बात को नोट करो, डू किसके साथ प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, तो आई को हम किस क्या लेते हैं, आई को हम प्लूरल लेते हैं, तो आई के साथ क्या लगेगा डू लगाएंगे, तो आई डू, अब देखो डू डज दो लगा लिया, अब क्या लगेगा नॉट, नॉट आई डू नॉट, अब क्या खाता, अब क्या भर यानी कि भीवन, इसमें भीवन ही लगेगा, तो खाता का भीवन क्या होता है ईट होता है, तो ईट, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो भाई इसमें कह ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट कहेगा जब ही ना, तो आई डू नॉट ईट इसका हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है मैं नहीं खाता हूँ। जैसे कि और कुछ देख लेते हैं हम, जैसे और देख लेते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या मैं क्या है, सूत्र देखिए आप, सूत्र देखिए मैं क्या है सब्जेक्ट, तो आई के साथ सब्जेक्ट लेंगे, अब डू या डज लगेगा डू लगेगा और क्या नॉट, और पढ़ना क्या होता है रीड होता है, तो आई डू नॉट रीड, ठीक है ये इसका बन जाएगा। तो आपने नेगेटिव कर लिया, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव, अब क्या देखेंगे इंटरोगेटिव, अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी लिख लो प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी लिख लो आप प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है इसका हिंदी लिख लो, चलो हिंदी लिख लिया, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो इसका भी सूत्र देख लेते हैं हम, इसका भी सूत्र लिखे, इसका सूत्र होता है आपका डू या डज ठीक प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पहले आप नोट करो, इसको पहले आप नोट करो, ठीक है चलिए इसको नोट कर लिया। अब हम देखेंगे इसमें कैसे ट्रांसलेशन बनता है, चलिए इसका आपका आ जाएगा क्या मैं खाता हूँ, देखो भाई आपने सुना भी होगा क्या मैं खाता हूँ, ये टेंस आपने ट्रांसलेशन बहुत बार देखा, मैं खाता हूँ, और इसके लास्ट में हम दोस्तों ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है सुनो क्या मैं खाता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि डू किसके साथ लगेगा जो प्लूरल है, और डज किसके साथ, डू किसके प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, और सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पे, यानी कि इसमें जो है ना जो मैन वर्ब होता है वो आपका, जो मैन वर्ब आपका होता है वो आपको पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसने आपको लिख लिया क्या मैं खाता हूँ। चलिए मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लिए होंगे ठीक है। चलिए इसको अब हम बनाएंगे क्या मैं खाता हूँ, आप खुद से इसको बना लेंगे। सबसे पहले क्या देंगे डू या डज, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार देंगे डू या डज। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है मैं क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या देंगे डू देंगे, तो डू लिखेंगे पहले डू। अब देखिए डू, अब सब्जेक्ट क्या आई, तो डू आई। अब क्या वर्ब यानी वी वन, तो खाना का जो खाता है तो वी वन होता, ईटन होगा, डू आई ईट। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो डू आई ईट, लास्ट में इसका चिन्ह दे देंगे प्रश्नवाचक का, तो इसका ये बन गया ठीक है। और हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कि क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, और लास्ट में ये आपका रहेगा, तो क्या मैं, सबसे पहले क्या डू देंगे, डू किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, मैं है तो मैं का आई होता है डू, अब डू आई और दौड़ना क्या रन हो जाएगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या मैं दौड़ता हूँ कहाँ दौड़ता है ये कुछ भी पता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप ये देखिए, अब जो मैंने आपका प्रेजेंट टेंस का पार्ट पूरा, जो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है
पहला बेटा जो है प्रेजेंट टेंस का, ध्यान समझिएगा, प्रेजेंट टेंस का जो पहला बेटा है, पहला बेटा कौन है आप सब बताइए खाली कमेंट में, पहला बेटा कौन है इसका, पहला बेटा कौन है, सॉरी दोस्तों थोड़ी, पहला बेटा कौन है इसका, पहला बेटा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो दूसरा बेटा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके भी तीन होंगे, जैसे कि मैंने बताया अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जितना 12 टेंस है ना आपका, इस सभी में लागू होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सभी में लागू होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो गाइज, हमने प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो देख लिया है, अब हम देखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, क्या देखेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का कार्य क्या है। दोस्तों इसमें ना आपका कार्य चलता रहता है, काम आपका चलता ही रहता है, इसमें क्या है, काम आपका चलता रहेगा, इस टेंस में काम आपका चलता रहेगा। इस बात को आप पहले नोट कर लो कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है, तो इसमें काम हमेशा जारी रहता है, काम हमेशा जारी रहता है, इस पॉइंट को आप पहले नोट करो कॉपी में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम क्या रहता है, जारी रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हम कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लिया है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्या बोले, जिस वाक्य के अंत में रहा या रहे या रही प्लस है हूँ रहे, उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ है ना, मैं खा रहा हूँ, यहाँ रहा है तो यहाँ रहा आया और हूँ भी आया। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ तो रहा लास्ट में आया ना, तो रहा है, ये एक तरह से बोलो ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सीता गाना गा रही है तो लास्ट में रहा आया, रहे आया। चलिए मैंने आपको बताया कि हम तीन प्रकार के सेंटेंस एक टेंस में पढ़ते हैं, पहला कौन है, पहला हम पढ़ते हैं आपका, पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, पढ़ते हैं ना अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट का अब इन तीनों चीज़ों में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो मैंने अफर्मेटिव का सूत्र ये लिख दिया आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अफर्मेटिव, तो आप कॉपी में अफर्मेटिव ऊपर लिख के और ये सूत्र लिख लो, क्या सूत्र है, सूत्र आपका सब्जेक्ट प्लस इज, आप इस सूत्र को अफर्मेटिव देख के अच्छे से लिख लो, सूत्र है आपका सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस भी, दोस्तों यहाँ भी फोर होगा, यहाँ क्या होगा दोस्तों, भी फोर होगा, ठीक है। आप यहाँ भी फोर कर लो इसको, क्या होगा, भी फोर, यानी कि भी फोर का मतलब होता है कि भर्व के साथ आई एन जी जोड़ दो, इसको आप याद रखिए, ठीक है। जब मैं भर्व की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इतना जानिए कि भी फोर का मतलब होता है भर्व में आई एन जी जुड़ जाना, यानी कि भी फोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सूत्र आपका क्या है, अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव का सूत्र है। देखिए अब हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, ये मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये मैंने बताया, जिसमें क्या और नहीं सब नहीं रहे उसे क्या कहेंगे, एकदम इतना मानो सीधा वाला सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे देखो मैं खा रहा हूँ तो क्या होगा, मैं क्या है, मैं आपका क्या है, प्लूरल है, क्या है, इसको हम प्लूरल के रूप में यूज करते हैं तो क्या होगा, आई होगा, फिर आई के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए आप आई के साथ हम एम लगाते हैं हमेशा, तो आई एम और उसके बाद क्या है, भर्व, यानी भर्व का चौथा रूप, यहाँ देखिए भर्व का क्या है, भी फोर का मतलब क्या, कोई भी भर्व में आई एन जी जोड़ दो, जैसे भर्व यहाँ क्या है, यहाँ खाना, मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो खाना आपका क्या हो गया, भर्व हो गया, तो खाना का ईट होता है, तो ईट में आप क्या जोड़ दोगे, आई एन जी जोड़ दोगे, आई एम ईटिंग, ये इसका ट्रांसलेट बन गया, मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, मैं टीवी देख रहा हूँ, दूसरा आपका क्या है, मैं टीवी देख रहा हूँ, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या, मैं है, तो मैं का क्या होता है, मैं का होगा आई होगा, फिर आई के साथ हम एम लगाएंगे, उसके बाद अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, टीवी है और देख रहा हूँ, तो टीवी यहाँ पर क्या होगा, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और भर्व क्या होता है, ये तीनों मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं टीवी देख रहा हूँ, देखिए देखना क्या हो गया, भर्व हो गया, या सूत्र चाहिए, सब सूत्र ने हमें कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लो, तो सब्जेक्ट ले लिया भाई, मैं क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद एम या इज या आर लगाओ, तो मैंने आई के साथ एम लगा लिया जो लगेगा, उसके बाद कह रहा है भी फोर, यानी कि भर्व का चौथा रूप लगाओ। अब भर्व क्या है, खाना कथी, सॉरी देख रहा है, यानी कि देखना, भर्व देखना का क्या होता है, वॉच होता है, देखना क्या होता है, वॉच होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ
देखना क्या होता है, वॉच होता है। अब हमें पता है कि हम वी फोर यानी कि आईएनजी, तो हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अब क्या है लास्ट में, अब लास्ट में है ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा तब यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं। तो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग, यहाँ हम क्या दे देंगे, टीवी दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। और तीसरा उसी प्रकार है, तीसरा देखिए, तीसरा उसी प्रकार सीता गाना गा रहे हैं, तो सीता क्या सब्जेक्ट है, तो हम सीता लिखेंगे, सीता। अब देखिए सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम इज लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा सीता इज, हो जाएगा सीता इज, और क्या उसके बाद वी फोर, तो गाना का क्या होता है, सिंग होता है, सिंग, और हम आई एन जी जोड़ देंगे, सीता इज सिंगिंग। अब देखो यहाँ क्या, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, सीता गा रही है, पहले ये देखिए हम इसको बनाने का ट्रिक, सीता गा रही है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सीता गा रही है, तो सीता इज सिंगिंग। अब क्या गा रही है, तो गाना गा रही है, तो गाना का नाम, तक गाना गा रही है तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो गाना क्या होता है, तो हो जाएगा यहाँ आपका सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सीता एक गाना गा रही है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे, ये तो अफर्मेटिव का था, ये सिर्फ क्या था, अफर्मेटिव का था। अब हम नेगेटिव देखेंगे इसका। चलिए ये देखिए आपका, ये है आपका, ये आपका नेगेटिव है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया ना तीन तीन सेंटेंस, हर टेंस में तीन सेंटेंस वाला ट्रांजेशन बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस, इसे नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखिए इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस भी। देखिए यहाँ भी वी फोर होगा आपका, वी फोर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट, सब चीज़ वही रहेगा, बस इसमें नॉट लग जाए क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। तो देखिए इसका हम नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव को उदाहरण दें, जैसे कि यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ आपका क्या है, देखिए यहाँ क्या है, मैं खा रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं नहीं खा रहा हूँ, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं नहीं खा रहा हूँ। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, सूत्र के माध्यम से बनाएंगे, क्योंकि हमारा सूत्र अगर आपको याद नहीं है कि नेगेटिव का सूत्र क्या होता है, तब आप नहीं बना पाओ। तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ देखो आप सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का क्या देंगे, आई। देखिए जैसे जैसे हमारा सूत्र कह रहा है हम वैसे वैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ई है, आई इज या एम या आर। अब देखो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, जाहिर सी बात है आई एम। अब देखो अब क्या है, अब आपका नॉट, अब नॉट लगाओ भाई, अब इसमें नॉट लगाओ, नॉट लगा दिए, उसके बाद फिर क्या आपका वी फोर है, फिर क्या आपका वी फोर यानी कि भर्ब में आएंगे जी, यानी कि मैं नहीं खा रहा, तो खाना यहाँ क्या है, भर्ब हो गया, तो यहाँ खाना की क्या ईट होता है, ईट होता है, अब इसमें आएंगी जोड़ेंगे भाई, तो आई एम नॉट ईटिंग इसका सही ट्रांसलेशन बनेगा, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। इसी तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे कि इसमें है मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो क्या इसका बना, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, सीता गाना गा रहे, सीता गाना नहीं गा रही। तो इस तरह के आपका बुक में से प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। तो हमने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। देखिए ये आपका इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी में, ठीक है। इसका सूत्र है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट या भी, यानी कि यहाँ भी आप वी फोर लगाओ, यहाँ भी क्या करो वी फोर लगाओ, यहाँ भी क्या करो आप वी फोर लगाओ, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सॉरी इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको भी हम उस माध्यम से देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, इसको उदाहरण कैसे बनाएंगे, इसका हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि इधर क्या आता है, जैसे कि दे दूंगा मैं, क्या क्या मैं खेल रहा हूँ, दूंगा क्या मैं खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। इसमें एक बात आपको नोट करना है, जो भी सेंटेंस होगा आपका वहाँ लास्ट में आप इसका चिन्ह लगा देंगे, इसी को हम दोस्तों बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये चिन्ह आपको लगाना जरूरी है, वरना आप सही भी बनाते हो तो आपका नंबर कट जाता है, अगर आप ये चिन्ह लास्ट में नहीं लगाते। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं क्या है प्लुरल है। अब देखिए प्लुरल के साथ यहाँ इज लगेगा या एम लगेगा या आर, तो हम बेसिकली जानते हैं मैं के साथ एम ही लगता है, तो एम लगाएंगे यहाँ, तो लगाइए भाई एम एम। उसके बाद क्या है, अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो हम दे देंगे आई, तो एम आई। अब खेल रहा हूँ, तो खेलना क्या होता है,
प्ले होता है यानी कि प्ले, क्या होता है प्ले होता है। अब इसमें आई एन जी जोड़ेंगे क्योंकि वी फोर है, तो एम आई प्लेइंग इसका सही ट्रांजेक्शन बनेगा, ठीक है, एम आई प्लेइंग इसका सही ट्रांजेक्शन बनेगा, क्या मैं खेल रहा हूँ। इसी तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको और भी एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि मैं बोल दूँ आपको, जैसे कि मैं आपको बोल दूँ क्या मैं नाच रहा हूँ, क्या मैं नाच रहा हूँ, क्या मैं नाच रहा हूँ, लास्ट में प्रश्नवाचक क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को देखेंगे, किसको, सब्जेक्ट को, तो एम लगाएंगे, एम आई अब नाच रहा है तो क्या एम आई डांस, और नाच रहा है तो आई एन जी, एम आई डांसिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने प्रेजेंट का, जो प्रेजेंट टेंस का दो पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है। अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब क्या देख रहे हैं आप, अब देख रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब देख रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मुख्य कार्य क्या है, इसको आप नोट डाउन करो कॉपी में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मुख्य कार्य क्या है, इसको आप नोट डाउन करो। तो इसका जो मुख्य कार्य है, इसमें ना काम आपका हो चुका रहता है, जैसे कि आप देखिए डेफिनेशन इसका, जिस वाक्य के अंत में चुका या चुके या चुकी या प्लस ये प्लस है हूँ हो, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये देखो, ये मैंने सूत्र लिख दिया है, ये सूत्र आपका अफर्मेटिव का, ये सूत्र क्या है, अफर्मेटिव का सूत्र है, इसको सबसे पहले आप राइट डाउन करो, ये सूत्र किसका है, ये आपका अफर्मेटिव का सूत्र है, ये किसका सूत्र है, आपका अफर्मेटिव का सूत्र है, ये लिखो। तीन चीज़ देखेंगे हम, पता है आपको, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, तो ये अफर्मेटिव का सूत्र है, इसको लिख लिया आप, चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम ट्रांजेक्शन का कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांजेक्शन जो होता है, जैसे कि मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए लास्ट में चुका आया तो है ना, चुका आया तो चुका आ गया, तो यानी हम कह सकते हैं ये जो मैं खा चुका हूँ, आपको पूछेगा मैं खा चुका हूँ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप आसानी से पहचान लेंगे। इस पहचाने के सबसे पहले, पहचाने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना जरूरी है, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, किस पॉइंट में किसको पहचानने का क्या तरीका है, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, अगर ये याद नहीं है तो आप उससे बता नहीं सकते, ठीक है। चलिए मैं खा चुका हूँ, इसको हम कैसे बनाएंगे, आसान है दोस्तों बिल्कुल। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, आई दे देंगे। अब देखिए आप आई के साथ हैव या हैज, आप यहाँ जान लीजिए हैव जो हैव क्या हैव लगेगा प्लूरल के साथ, तो आई हम हमेशा प्लूरल के साथ यूज करते हैं, तो आई के साथ क्या देंगे, हैव देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो आई हैव हो गया। अब देखिए उसके बाद आई हैव, उसके बाद क्या है यहाँ दोस्तों, आपका भी थ्री होगा, क्या होगा यहाँ, भी थ्री होगा, भी थ्री कर लो यहाँ आप, यहाँ भी थ्री होगा, ठीक, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ भी थ्री कर लो, ठीक है। भी थ्री का मतलब हो गया भर्व का तीसरा रूप, मैंने बताया है। अब देखिए भर्व का दूसरा रूप, अब इस सबसे पहले देखेंगे भर्व क्या है, तो मैं खा चुका, यानी कि मैं काम मैं खा चुका हूँ, ठीक है, पास्ट में हो चुका है, तो खाना यहाँ क्या है, भर्व है, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, लेकिन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है भी थ्री, तो ईट का भी थ्री क्या होता है, ईटन होता है, ये आप याद रखिए, ईट का भी थ्री क्या होता है, ईटन होता है, आई हैव ईटन, ये आपका मैं खा चुका का सही ट्रांजेक्शन बनेगा, तो आई हैव ईटन आपका समझ गए, तो ये था आपका अफर्मेटिव। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव, चलिए अब नेगेटिव देख लीजिए, आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का सूत्र है, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, ये बता चुका हूँ, नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस भी, यहाँ भी थ्री कर दो आप, थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम वही प्रक्रिया, जैसे इसमें होगा मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू सूत्र, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला देखो क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, मैं, तो मैं का क्या लेंगे, आई लेंगे, आई, अब आई के साथ क्या ले, हैव लगाएंगे, हैव, अब देखिए यहाँ कह रहा है आपका नॉट, तो नॉट लगा दो भाई, जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, नॉट हो गया। उसके बाद देखो भीतरी, तो मैंने बताया तो खाना क्या है, भीतरी है, तो खाना का क्या होता है, ईट, और ईट का भीतरी होता है ईटन, तो आई हैव नॉट ईटन, ये मैं नहीं खा चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव हो गया, आई हैव नॉट ईटन, ठीक है। तो आप अच्छे से ये सब समझ पाए, ये आप बुक में देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। अब हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव, चलिए इंटरोगेटिव देखिए इसका,
इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, या मैं आपको पिछले पहले ही बता चुका। देखिए इसका सूत्र आपका हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस भी। यहाँ भी भीतरी कर दो आप, सारी जगह छूट गई है, यहाँ भी आप भीतरी कर दो, ठीक है, यहाँ भी आप भीतरी कर दो दोस्तों। तो क्या हो गया, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो इसका हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम क्या, इसका होगा क्या, क्या मैं खा चुका हूँ, ये होगा क्या मैं खा चुका हूँ, इसका ये हो जाएगा। और आपको पता ही है ये जब इंटर, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव है, तो क्या आप लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह देंगे, यानी कि ऐसा वाला चिन्ह देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, क्या देंगे कैसे देंगे, ऐसा वाला चिन्ह देंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखिए आप, क्या मैं खा चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू सूत्र के अनुसार बनाएंगे। देखिए सूत्र आपका क्या कह रहा है, हैव या हैज, इसमें क्या है, सबसे पहले आपका जो मैन वर्ब वो लग जाएगा, तो हैव हैज। अब मैंने बताया हैव किसके साथ लगेगा, जो प्लूरल होगा उसके साथ हैव लगेगा, हैज किसके, सिंगुलर के साथ। तो सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या, मैं, तो मैं क्या हमेशा प्लूरल का जगह लेता है, तो मैं के साथ क्या हैव लगाएंगे, तो हैव लिया लिख दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हैव, ठीक है। उसके बाद हैव या है, उसके बाद का सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो हैव आई। उसके बाद क्या है, भीतरी, तो खाना यहाँ क्या है, भर्व है, तो खाना का भीतरी क्या होता है, ईटन होता है, भाई ईटन। अब भाई अब यहाँ आती है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं इसमें, जब नहीं है तो चुपचाप आप लास्ट में ये बिंदा लगा दें, यानी कि हैव आई ईटन इसका सही ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, इस प्रकार आपका प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस का तीन पार्ट हमने देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अब देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि लास्ट पार्ट होगा प्रेजेंट टेंस का। चलिए दोस्तों अब देखिए आप, अब जो पार्ट हमारा वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के अंत में ता रहा, ते रहे या ती रहे प्लस हैं हूँ, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखिए इसका मैंने सूत्र लिया है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी, बीन प्लस भी। यहाँ दोस्तों आपका भी फोर होगा, क्या होगा, भी फोर होगा, ठीक है, इसको आप ये लिख लीजिए। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका, इसका क्या हो गया, ये इसका अफर्मेटिव का सूत्र हो गया। अफर्मेटिव लिख के ये सूत्र लिख लो, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव भी देखेंगे, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एस, तो मैं आई दे देंगे, तो आई। उसके बाद क्या है आपका, हैव या हैज़, तो आई हैव बताया मैंने, हैव लगता है प्लूरल के साथ, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है, आई हैव। उसके बाद क्या है दोस्तों, बीन, तो बीन दो आप यहाँ, आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद क्या, भी फोर, तो खाता का भी फोर क्या हो जाएगा, ईटिंग। मैंने बताया कि भी फोर में आई एनजी जुड़ता है, आई हैव बीन ईटिंग, तो इसका ये सही ट्रांसलेशन हो गया। इसमें आपको एक कंडीशन और बात आती है कि आपने पढ़ा होगा सिंस और फोर का प्रयोग, इसी में प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला में, चलिए उसका भी हम प्रयोग देख लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ आपको अच्छे तरीके से लिख लिया, आप इसको कॉपी में ज़रूर लिखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने इसलिए लिखा आपको अलग से अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंस और फोर का, सिंस और फोर का प्रयोग, कि सिंस और फोर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, किस किस टाइम करेंगे। देखिए मैंने लिखा है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय मतलब हो गया, जैसे कि बोल रहा है, देखिए जैसे कि सोमवार से, जनवरी से, सन 2000 से, गत साल से, बचपन से, तो ये सब जो टाइम आपका है, ये सब क्या आपका है, फिक्स टाइम है, निश्चित समय। देखिए सोमवार से कोई बोल रहा है कि वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, मतलब उसको पता है कि हाँ फिक्स है भाई, वो सोमवार से स्कूल जा रहा है। जैसे वह जनवरी से दौड़ कर रहा है, मतलब कि वो उसका टाइम फिक्स है, वो जनवरी से दौड़ कर रहा है। जैसे वह 2000 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, यानी कि उसको फिक्स 2000 ईस्वी से वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो ये सब आपका क्या हो गया, इस सब में जो है ये आपका सिंस का प्रयोग हो गया, ये सब आपका क्या होगा, इसमें प्रयोग होगा सिंस का। इसको आप नोट कर लो, पहले ऊपर लिख लो आप सिंस का प्रयोग, और सिंस का प्रयोग देखे इसमें आप ये लिख लो, ठीक है, सिंस का प्रयोग देख में आप ये सब लिख लो, इसमें सिंस का प्रयोग होगा। अब देखते हैं हम फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग कहाँ होगा, फोर का प्रयोग पीरियड टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड टाइम मतलब दोस्तों फिक्स टाइम उसमें दिया रहता है,
तो पीरियड टाइम, ठीक है, यानी अवधि समय। देखिए इसका एग्जांपल है, इससे 4 घंटे से, 2 दिनों से, 4 महीने से, 2 वर्ष से, मतलब इसमें ना फिक्स टाइम दिया हुआ नहीं रहता है, फिक्स टाइम इसमें दिया हुआ नहीं रहता है, निश्चित समय नहीं है। जैसे अब जैसे कि बोल देगा श्याम 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है भाई, अब 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो वो घंटा उसको पता नहीं है कि कितने बजे से कितने बजे, सिर्फ बोल दिया 4 घंटे से, यानी टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे वह दो दिनों से पढ़ रहा है या 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, अब 2 दिनों से किस दिन से एग्जैक्ट कौन सा दिन से स्टार्ट किया है, कौन सा दिन से वो स्टार्ट किया जो 2 दिन पूर गया, ये बताने रहा है, सिर्फ बोल रहा है 2 दिन से, तो ये फिक्स टाइम नहीं ना हुआ। देखिए 4 महीने से, अब 4 महीना कौन सा महीना भाई, 4 महीना, 12 महीना में कोई महीना मिला के वो 4 महीना बोल दिया होगा, तो फिक्स टाइम नहीं दिया होगा। से 2 वर्षों से, अब कौन सा वर्ष ये भी पता नहीं है, तो ये सब हो गया आपका अवधि समय, ठीक है। तो इस सब में आपका फोर का प्रयोग होगा, इस समय आपका फोर का प्रयोग होगा, ये आप नोट कर लो। इसमें आप लिख लो सिंस का प्रयोग देखे ये पूरा लिख लो, ठीक है, और इसमें लिख लो फोर का प्रयोग देखे आप इसमें पूरा लिख लो, ठीक है। चलिए तो इतना आप समझ गए, अब हम देखेंगे कि सिंस और फोर से कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए यहाँ सिंस हमने बताया कि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों बनता है, ठीक है, कोई भी टेंस में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देख रहे हैं ये है आपका अफर्मेटिव के लिए, ये क्या है आपका अफर्मेटिव के लिए, ठीक है। तो इससे पहले हम ट्रांसलेशन देखते हैं, इसका जो ट्रांसलेशन आपका आएगा वो आएगा आपका, मैं आपको लिखता हूँ जैसे का आएगा, एक मिनट, आपको ट्रांसलेशन दे देगा, मैं 2 दिनों से, मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ, क्या दे दिया, मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ। चलिए देखिए, अब मैंने आपको बताया कि लास्ट में रहा आएगा तो वही होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये आपका क्या है प्रेजेंट, ये सॉरी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्या है आपका, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यह आपका अफर्मेटिव सेंटर। तो इसको कैसे बनाएंगे हम सूत्र के हिसाब, सूत्र हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं, तो मैं का क्या होगा आई होगा, मैं का आई होगा, अब आई के साथ क्या हैव लगेगा, तो आई हैव और क्या बीन, आई हैव बीन। अब सबसे पहले हम बनाएंगे मैं दौड़ रहा था, आई हैव बीन रनिंग। अब देखिए 2 दिनों से आ गया ना, अब 2 दिनों से हम क्या प्रयोग करेंगे, मैंने बताया 2 दिनों से क्या देंगे, सिंस देंगे कि फोर, आप देखिए इधर 2 दिनों से यहाँ है तो ये कौन सा पार्ट है, फोर वाला पार्ट है, तो हम देंगे 2 दिनों से, फोर 2 डेज, क्या देंगे ना, देंगे फोर 2 दिनों से है ना, तो देंगे 2 डेज। आप थोड़ा इसको कॉपी में लिख लीजिए, जगह नहीं होने के कारण अच्छे से नहीं, तो इसका जो संपूर्ण ट्रांसलेशन बनता है वो बनता है आई हैव बिन रनिंग फोर 2 डेज, ठीक है, इसका संपूर्ण ट्रांसलेशन बनता है। तो इसने आपने ये अच्छे तरीके से देख लिया, अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव, ये तो अफर्मेटिव था, अब नेगेटिव देखते हैं इसका। चलिए आप नेगेटिव देखिए इसका, नेगेटिव सेम वही तरीका है, देखिए यहाँ जो मैंने लिया है ना, यहाँ मैंने आपको सिंस और फोर का ऐड नहीं जोड़ा, तो यहाँ आप सिंस और फोर ऐड कर दो, ठीक है, सूत्र में, ये नेगेटिव का सूत्र है, नेगेटिव सेंटेंस का सिंस फोर इसमें ऐड कर दो। तो इसमें आपको जैसे उसमें क्या था, मैं नहीं, मैं इसमें क्या था आपका, यहाँ था मैं 2 दिनों से दौड़ रहा, तो इसमें आपको क्या नहीं लगा दो बस, इसमें हो जाएगा मैं दो दिनों से नहीं दौड़ रहा हूँ। तो इसको आप कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, दौड़। तो क्या सबसे पहले मैं, तो मैं क्या सब्जेक्ट आई है, अब आई के साथ क्या देंगे हैव देंगे, तो आई हैव, अब क्या नॉट है यहाँ, देखिए आई हैव नॉट है तो क्या देंगे नॉट, आई हैव नॉट, उसके बाद क्या बीन, आई हैव नॉट बीन, अब भी फोर है, देखिए यहाँ भी फोर मैंने छोड़ दिया है, तो यहाँ भी फोर लिख लीजिए आप, ठीक है, भी फोर होगा, इस सब में कंटिन्यूस है तो भी फोर होगा ही होगा, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन, अब देखिए दौड़ रहा हूँ तो दौड़ना क्या होता है रन, तो क्या देंगे रनिंग हो जाएगा रनिंग। अब क्या है 2 दिनों से, तो 2 दिन आ गया, यानी कि फोर टू डेज, ठीक है। तो ये नेगेटिव आपने देख लिया, अब हम देखेंगे, देखिए अब हम एक थोड़ा आपको सिंस वाला दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, इसमें थोड़ा आपको हम सिंस वाला दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा हम आपको सिंस वाला दिखा देते हैं, वो भी आपको अच्छा रहेगा, आप बोलेंगे सिर्फ फोर वाला ही बता रहे हैं, तो सिंस वाला भी देख लेंगे आप, अच्छा रहेगा आपके लिए।
सिंस वाला आप देख लीजिए, इसमें आप सिंस वाला देखिए। चलिए सिंस वाला आपको एग्जांपल है, जैसे कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, मैं सोमवार से आप इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। मैं सोमवार से चलो खेल रहा हूँ, सोमवार से खेल रहा हूँ, कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप अपने से एग्जांपल बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या आई, तो आई का क्या होगा, सॉरी मैं एक आई होता है। अब देखिए हैव हैज, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज, तो आई के साथ बेसिकली हैव लगेगा, तो आई हैव। उसके क्या नॉट, उसके बाद हम नॉट, देखिए यहाँ क्या है, मैं सोमवार से खेल रहा हूँ ना, यहाँ क्या है, मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, यहाँ दे दो आप नहीं दे दो, क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं तो नहीं दे दो, मैं सोमवार से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं सोमवार से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव, अब क्या देंगे, नॉट, तो आई हैव नॉट, उसके बाद क्या बीन, अब खेलना है ना, तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ भी फोर है, यहाँ हमारा क्या है भी फोर है, तो प्ले का, प्ले में आई एन जी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग। अब देखिए क्या है, सोमवार से, अब देखिए यहाँ सोमवार से मैंने बताया आपको, सोमवार से देखिए है ना, यहाँ पे सोमवार यानी कोई भी दिन हो, यानी फिक्स दिया है ना सोमवार से, तो हम क्या देंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम दे देंगे, क्या दे देंगे दोस्तों, सिंस मंडे। तो सिंस वाला भी आपका क्लियर हो गया, आप इसको डाउट, आपका भी डाउट इसमें ख़त्म हो गया। तो आई हैव नॉट प्लेइंग सिंस मंडे, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कंटिन्यूस निगेटिव खत्म होता है। अब देखें हम इंटरोगेटिव, ये देखिए आपका यह इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव का सूत्र होता हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर। देखिए यहाँ भी फोर बार बार छूट जा रहा है, तो आप इसको नोट कर ले ध्यान से। अब प्लस इसमें सिंस या फोर जुड़ जाएगा लास्ट में, सिंस या फोर जोड़ देना लास्ट में, सिंस या फोर, ठीक है, जोड़ देना अपने मन से, मैंने लिख दिया। इसका आप एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या था, जैसे कि यहाँ था आपका मैं सोमवार से नहीं खेल रहा हूँ, या यहाँ देख लो आप, यहाँ क्या था आपका मैं दो दिनों से दौड़ रहा हूँ, तो उसमें हम इंटरोगेटिव इसका कैसे बनाएंगे, क्या मैं दो दिनों से दौड़ रहा हूँ, इसका एग्जांपल क्या है, क्या मैं दो दिनों से दौड़ रहा हूँ, चलो भाई इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मैं दो दिनों से दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब देखिए यहाँ सूत्र को देखिए, आप सूत्र देखेगा तभी बनेगा। सूत्र पहले क्या मानता हैव हैज और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो देख रहे हैं इसके अनुसार हम हैव या हैज लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट देखिए आप क्या, मैं क्या प्लूरल जगह हमेशा लेते हैं, तो प्लूरल साथ क्या हैव लगाएंगे, तो हैव लिखिए यहाँ, तो हैव, सॉरी एक मैंने गलती कर दिया, यहाँ जो है ना आपका लास्ट में ये इंटरोगेटिव होगा, क्योंकि बताया इंटरोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो हैव, अब देखिए क्या सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या आई, तो आई दीजिए, तो हैव आई, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या देंगे बीन, हैव आई बीन। आप एक एक पॉइंट को कॉपी में लिखते जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए, कभी नहीं भूलोगे। तो हैव आई बीन, अब क्या भी फोर, तो अब देखिए भर्ब इसमें क्या है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या होता है, रन होता है। अब देखिए भी फोर है, तो इसमें रनिंग हो जाएगा, यानी कि भी फोर जुड़, आई एन जी जुड़ जाएगा। तो हैव आई बीन रनिंग, और क्या है दो दिनों से, अब क्या है दो दिनों से, यहाँ क्या है भी फोर के बाद क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, उसके बाद क्या है सिंस या फोर, अब देखिए सिंस लगेगा या फोर, तो फोर लगेगा, तो फोर देते हैं, क्योंकि दो दिनों से हैं, फोर दो दिनों से है ना, यानी कि दो दिनों से हैं, तो फोर टू डेज। चलिए अब लास्ट में इंटरोगेटिव का चिन्ह, ये देना आपको जरूरी है। तो दोस्तों ये आपका प्रेजेंट टेंस यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। और प्रेजेंट टेंस के आप बुक में से बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छा ज्ञान होगा, क्योंकि मैंने सारा जो आपका बेसिक फंडा था वो आप मैंने बता दिया है। अब आपका बुक में से प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रांसलेशन की बुक कोई ले लीजिएगा, कोई भी राइटर की, तो उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सारा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमारा ख़त्म होता है। चलिए अब देखिए आप पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में सबसे पहले क्या आता है, इंडेफिनिट टेंस आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि कोई भी काम भूतकाल में होता है, क्या होता है, कोई भी काम आपका भूतकाल में होता है, कोई भी काम आपका क्या होता है भूतकाल में होता है, जैसे कि यानी कि हो गया हो। जैसे कि देखिए आप इसको पहचाने कैसे, जिस वाक्य के अंत में आ या ई ये यो ता था
थी थे आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के नाम से जानेंगे। देखिए इसका मैंने अफर्मेटिव, ये क्या अफर्मेटिव है इसको नोट करो, ये अफर्मेटिव का सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ वी टू होगा, यहाँ वी टू होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट, इसको कॉपी में नोट कर लो, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। चलिए हम इसको थोड़ा बनाते हैं, चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं पटना गया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आया, या आया, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ लास्ट में क्या आया दोस्तों, लास्ट में या आया ना। अब देखिए सेंटेंस में यही नहीं कह रहा है, जिस क्रिया जिस वाक्य के अंत में आ रहे, या रहे, ई, ये, यो, ता, था, थे, ती, अगर लास्ट में मिल जाता है तो उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए इस जो मैंने वाक्य लिया है, मैं पटना गया, लास्ट में या मिल गया ना, तो ये हम कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने सूत्र लिख दिया है, सूत्र लिख लिया है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं इसको, तो मैं गया, मैं पटना गया, तो मैं क्या सब्जेक्ट है, मैं का क्या देंगे, मैं का हम देंगे आई, मैं का क्या देंगे, मैं का देंगे आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए सूत्र को फॉलो कीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वी टू मतलब भी मतलब भर्व, यानी कि वी टू मतलब भर्व का दूसरा रूप। अब भर्व का दूसरा रूप आपको पता नहीं है, शायद पता भी होगा। अब इसमें भर्व क्या है, मैं पटना गया, तो यानी कि वो मैं पटना गया हूँ, तो गया आपका यानी कि जाना, तो ये क्या हो गया आपका भर्व हो गया। तो जाना क्या होता है, गया क्या होता है आपका, गो होता है, ठीक है, गो होता है, लेकिन गो तो वी वन है, हमें यहाँ क्या खोज रहा है, वी टू खोज रहा है, तो गो का वी टू होता है वेंट, आप इसको नोट कर ले, गो का जो वी टू होता है वो होता है वेंट। तो आई वेंट, मैं का, आप देखो ऑब्जेक्ट, आप देखो सब्जेक्ट का काम खत्म, भर्व का काम खत्म, अब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है पटना, तो दे देंगे हम टू पटना, आई वेंट टू पटना, ये आपका सही ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है साथियों। चलिए आई वेंट टू पटना, इसको आप नोट कर लो। तो ये था आपका अफर्मेटिव, ये था क्या आपका अफर्मेटिव। हम मैं आपको बताएं कि हम सभी टेंस का तीनों सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। चलिए इसका हम देखते हैं इंटरोगेटिव, चलिए इसका नेगेटिव देखिए, आपका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, यहाँ भी आपका, यहाँ आपका वी वन हो जाएगा, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपका वी वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वी वन क्यों हो गया, जब भी हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव वाला बात आता है तो यहाँ भी वन लग जाता है, यानी कि डिड जैसे आएगा, जैसे ये डिड जो देख रहे हैं आप, ये डिड जैसे किसी में भी लग जाएगा तो वर्ब ऑटोमेटिकली चेंज होकर भी वन में बदल जाता है, याद रखिए डिड जैसे लगा कि भी वन हो गया, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं पटना गया था, यानी कि पहले हम क्या बनाए थे, यहाँ अफर्मेटिव क्या बनाया, मैं पटना गया, अब हम देखेंगे मैं पटना नहीं गया, मैं पटना नहीं गया, अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं पटना नहीं गया, इसको वैसे सूत्र के हिसाब से बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे सूत्र के हिसाब से, ठीक है। चलिए सूत्र क्या कहता है आपका, सूत्र कहता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई को लिखो, जैसे जैसे सूत्र कहेगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे, अगर सूत्र को आप फॉलो नहीं करते तो आप नहीं बना पाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है डिड, तो यहाँ भी डिड लगाओ आई, यहाँ क्या लगाओ डिड लगाओ, ठीक है डिड लगा दिया। फिर देखो सूत्र, फिर क्या डिड के बाद क्या नॉट, अब नॉट फिर दो, यहाँ नोट दे दिया मैंने, अब क्या कह रहा है, फिर देखो सूत्र, नोट के बाद यहाँ कह रहा है भी वन, क्या है भी वन मतलब भर्व का पहला रूप। अब सबसे पहले देखेंगे भर्व इसमें क्या है, फिर गया भर्व है, तो अब देखिए जाना क्या था गो होता है, अब भी वन है तो यहाँ हम क्या देंगे गो ही दे देंगे, आई डिड नॉट गो, ठीक। अब क्या है भाई भी वन का काम करता हूँ, अब क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या पटना, तो दे देंगे हम टू पटना, टू पटना, यानी कि इसका संपूर्ण विश्लेषण हो गया, आई डिड नॉट गो टू पटना, यानी मैं पटना नहीं गया, तो ये आपका निगेटिव था। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव, चलिए ये देखिए आप इंटरोगेटिव, ये है आपका इंटरोगेटिव का सूत्र, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना जब भी डिड लगेगा चाहे कोई भी फॉर्मेशन हो, चाहे अफर्मेटिव हो निगेटिव हो, उसमें वी वन लग जाता है, ठीक है। चलिए इसका हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने पिछली फिगर में क्या देखा कि मैं पटना नहीं गया, अब देखेंगे इसमें देखेंगे क्या मैं पटना गया, क्या मैं पटना गया। आप देखिए अपने मन से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको फॉर्मेशन लास्ट में इंटरोगेटिव का चिन्ह है, ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। आप देखो इसको हम कैसे बनाएंगे सूत्र के हिसाब, सबसे पहले क्या डिड, अब डिड सब्जेक्ट, तो डिड भाई इसमें सब लगेगा, चाहे प्लुरल हो या सिंगुलर हो, इसमें डिड सब मिलेगा, तो हम डिड लगा देते हैं डिड सब। अब देखिए डिड लगा दिया, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या मैं, तो मैं क्या होगा आपका आई, तो डिड आई, अब क्या वी वन
डिड का काम खत्म, सब्जेक्ट का काम खत्म, अब क्या है V1, तो V1 क्या आपका यानी कि वर्ब क्या है, गया, तो गया का क्या होता है गो होता है, डिड आई गो। अब देखिए फिर क्या आपका V1 का काम खत्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पटना, तो देंगे डिड आई गो टू पटना, डिड आई गो टू पटना, लास्ट में क्या देंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये आपका इंटरोगेटिव भी क्लियर होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर क्या होता है फिनिश होता है। अब मूव करेंगे हम पास्ट इम्परफेक्ट की ओर। चलिए अब देखिए आप पास्ट इम्परफेक्ट की ओर, सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। चलिए तो पास्ट इम्परफेक्ट देखिए आप, देखिए इस टेंस में ना काम आपका जारी रहता है, काम क्या रहता है जारी, लेकिन काम जारी रहता है लेकिन भूतकाल में जारी रहता है, क्या रहता है भूतकाल में। चलो तो इसको देखिए आपका डेफिनेशन मैंने लिखा है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे पास्ट इम्परफेक्ट। देखिए ये जो देख रहे हैं आप ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र लिखा है, तो आप पास्ट इम्परफेक्ट डाल के अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र इसमें डाल दो। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं खा रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे सूत्र के अनुसार, तो हम जानते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम सीधा वाला सेंटेंस होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के साथ हम सबसे पहले तो आई दे दीजिए आई, उसके बाद क्या है फिर सूत्र, सब्जेक्ट के बाद क्या वाज या वर। देखिए वाज जो है वाज लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर लगाएंगे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, तो आपको पता है देखिए यहाँ पर जो है ना आई के साथ वाज लग जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा वाज लग जाएगा, ठीक है यहाँ ध्यान लीजिए आई के साथ क्या लग जाएगा वॉज लग जाएगा, आई वॉज, ठीक है चलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है V4, देखिए यहाँ V4 है आपका, उसके बाद क्या है V4 का मतलब मैंने बताया कि वर्ब में एंज जोड़ना, तो इसमें वर्ब कौन सा है खाना क्या वर्ब, तो खाना क्या ईट होता है और ईट में आप एंज जोड़ दो, ईट में आप एंज जोड़ दो। उसके बाद क्या है आपका V4 का काम खत्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो उसमें है नहीं, तो आई वॉज ईटिंग इसका सही आंसर हो गया, ठीक है आई वॉच टी यानी मैं खा रहा था। इस तरह से आप बहुत तरह के अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव, चलिए नेगेटिव देखिए इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैं नहीं खा रहा था, ठीक है ऐसे अपने मन से आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरा स्टेप फॉलो करो, बस आप कंसेप्ट को समझ लो। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मैं, तो इसको आई देंगे, ठीक है आई, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, तो आई के साथ बताया मैंने अभी वॉज लगता है तो आई वॉज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है वॉज वर के बाद नॉट, तो नॉट लगाना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव है, आई वॉज नॉट। उसके बाद फिर क्या नॉट के बाद V4 मतलब भर में आएंगे नहीं, खाना क्या हो जाएगा तो ईटिंग है तो ईट का ईटिंग हो जाएगा, तो आई वॉज नॉट ईटिंग ये इसका हो जाएगा। तो आपने नेगेटिव देख लिया, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। चलिए आप देखिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का सूत्र है वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम इंटरोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें क्या आता है इसमें हो जाएगा आपका क्या मैं खा रहा हूँ, ठीक है ये सब दोस्तों इजी सेंटेंस है, अभी बहुत हार्डर सेंटेंस हम करने वाले हैं बाद में, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के अनुसार हम वॉज या वर लगाएंगे, तो मैंने बताया कि जो सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा प्लुरल के साथ वर लगेगा, ठीक है तो सब्जेक्ट देखिए पहले क्या आपका सब्जेक्ट आपका मैं है, तो मैं के साथ यानी मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई के साथ वॉज लगता है तो हम देंगे यहाँ वॉज, हम क्या देंगे वॉज देंगे, हम देंगे वॉज वॉज। उसके बाद क्या है वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आई, तो वॉज आई। उसके बाद V4, तो यानी कि वर्ब, तो वर्ब क्या है खाना, यहाँ वर्ब है खाना क्या वर्ब, तो V4 लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएंगे ईट का ईटिंग हो जाएगा, इट का ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अब देखिए फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो इतना ही रह जाएगा वॉज आई ईटिंग और लास्ट में इंटरोगेटिव चिन्ह। तो यहाँ आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पूरी तरह से खत्म होता है, हमने इसका देख लिया अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए दोस्तों अब देखिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है इसमें जो इसमें आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लो, ये आपको नोट करना जरूरी है, मैं आपको बोल रहा हूँ इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करो। इसमें ना दो कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं, इसमें कितने कार्य होते हैं दो कार्य होते हैं, इसमें आपका दो कार्य होते हैं, इसमें आपका दो कार्य होते हैं, कितने कार्य दो काम होते हैं, वो कब होते हैं भूतकाल में ही होते हैं। एक क्या होता है एक, लेकिन दो काम जो होते हैं एक पहले समाप्त होता है और एक बाद में समाप्त होता है, ठीक है इसको आप नोट कर लो यार इस पॉइंट को।
एक बार फिर से बोला, आप नोट करना, इस टेंस में दो कार्य होते हैं जो कि भूतकाल में ही होते हैं, एक पहले समाप्त होता है एक और बाद में। इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है। चलिए तो चलिए हम इसको कैसे पहचानते हैं, उस पहचाने का तरीका देखते हैं। क्या है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या थे ये आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये देखिए सूत्र, ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस यहाँ भीतरी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भीतरी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका भीतरी हो जाएगा, इसको नोट कर लो। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका सूत्र है, ये अफर्मेटिव का सूत्र हो गया। ये किसका हो गया, अफर्मेटिव का, सकारात्मक हुआ। चलिए इसको हम देखते कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, देखिए ये इसमें भी दो कार्य नहीं हो रहा है, दो कार्य वाला भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ स्टेप फॉलो कीजिए सूत्र का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं, तो मैं कह देंगे आई, उसके बाद क्या है हेड, इसमें सब के साथ हेड लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, तो आई हेड हो गया, आई हेड। उसके बाद क्या है भीतरी, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। अब देखिए खाना का, खाना का ईट होता है, अब इसका भीतरी क्या होता है, ईटन होता है, आई हैड ईटन। उसके बाद यहाँ क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो आई हैव ईटन, आई हैड ईटन ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें दो कार्य कैसे होते हैं, उसको देखेंगे जो मैंने आपको बताया। चलिए तो ये निगेटिव है, इसका निगेटिव भी आप देख लो, आई मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, निगेटिव भी आप इसका देख लो, ठीक है। ये आपका निगेटिव है, तो निगेटिव आपका वैसे बनेगा कि जैसे कि इसमें क्या मैंने बताया कि मैं खा चुका था, तो आई हैड ईटन हो गया, और इसमें क्या, बस आपको इसमें नोट लगा देना, ठीक है। मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा, मैं अभी थोड़ा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो आई हैड नॉट ईटन हो जाएगा, ठीक है, मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन, ये इसका निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इधर मिलेगा इंटरोगेटिव, आपको इंटरोगेटिव में सेम वही है, हैड, हैड प्लस यहाँ भीतरी होगा, तो क्या हो जाएगा, से कि क्या मैं खा चुका था, तो हो जाएगा हैड, हैड आई ईटन, हैड आई ईटन लास्ट में ही है, ठीक है, तो क्या मैं खा चुका था, ठीक है। चलिए अब हम, मैंने बताया आपको इसमें हम देखेंगे थोड़ा, इसमें मैं क्या देखूंगा, वो मैंने बताया कि दो कार्य होते हैं इसमें, आपको जो महत्वपूर्ण सेंटेंस होते हैं ना, वो दो चीज़ होते हैं, कितने चीज़, वो आपको दो चीज़ होते हैं, वो मैं आपको ही बताने वाला हूँ। ये आपको भी बिल्कुल नोट डाउन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको सेंटेंस आपने सुना भी होगा, सेंटेंस आपका, मैं, सेंटेंस आपका है, सेंटेंस आपका है कि पुलिस के आने के पहले, क्या आपने सुना भी होगा, बिल्कुल सुना होगा, पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले, या पहले है, ठीक है, इसको याद रखिए, या पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। चलिए इसको हम देखिए, अब देखिए इसमें दो कार्य, मैंने क्या बताया कि इस टेंस में दो कार्य होते हैं। अब दो कार्य कौन कौन से हो रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल फोकस बनाए रखिए। देखिए पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ये दो कार्य हो रहा है पुलिस के आने के पहले, मतलब कि पुलिस भी आया और क्या, चोर भाग चुका था और चोर भाग भी गया, यानी कि पुलिस आया ये भी काम हुआ और चोर भाग गया वो भी काम हुआ। तो इसमें सबसे पहले बताया कि एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले हो रहा है कि पुलिस के आने के पहले, मतलब पुलिस आया भी नहीं है और चोर भाग चुका है, तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ, यही नहीं हुआ, चोर भाग चुका था, यानी कि चोर भाग गया पुलिस के आने के पहले, तो सबसे पहले आपका काम हुआ चोर भाग चुका था। तो सबसे पहले हम ये जो है चोर भाग चुका था, ये है आपका चोर भाग चुका था, इसको बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे पुलिस का आने के पहले, तो दो कार्य हुआ ना, यही मैं आपको समझाना चाहता था। और एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल आपका ट्रेन के आने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इसमें भी दो कार्य हुआ आपका ट्रेन के आने के पहले, मतलब कि मैं पहुंच गया और ट्रेन बाद में आया, दो कार्य हुआ, यानी कि पहले मैं पहुंचा, यानी कि पहले मेरा काम हुआ फिर बाद में ट्रेन आया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अपने बुक में देख के बना सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया सिंपल इसका। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो पहले काम हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बनाएंगे। नोट करना पॉइंट को, क्या बताया मैंने, जो पहले काम कौन सा हुआ है, देखिए जरा, पहले काम आपका हुआ है चोर भाग चुका था, कौन, चोर भाग चुका था, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के सूत्र से, कौन से सूत्र से, पास्ट इंडेफिनिट के सूत्र से, जो कि मैंने आपको भी तुरंत बताया है, लगभग पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको भी तुरंत बताया, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको ही बताया, ठीक है, आप ये वीडियो को पीछे करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम इसके माध्यम से बनाएंगे चोर भाग चुका था। उसके बाद दूसरा जो है पुलिस के आने के पहले, इसको हम बनाएंगे, सॉरी 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 मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी दोस्तों,
ये जो आपका पार्ट है, एक मिनट, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई यार, एक मिनट थोड़ी भागा आ गया मैं। देखो चोर भाग चुका था, क्या था यहाँ, क्या है, चोर भाग चुका था, एक मिनट यहाँ तो मिट भी गया, चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। देखो जो पहले काम हो, पहले काम क्या है, चोर भाग चुका था, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट के माध्यम से। इसको हम कौन सा बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट के माध्यम से, जो कि ये है, यह है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम इसी से बनाएंगे, इसको हम इसी से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, चोर भाग चुका था, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका द थीप हैड फ्लैड अवे, यानी कि भागना क्या होता है, फ्ली अवे, तो फ्ली का हम भीतरी लगाएंगे ना, फ्लैड अवे। अब देखिए ये किस माध्यम से बनाया हम, ये कौन सा सूत्र लगाए, ये लगाए हम चोर भाग चुका था, ये हम लगाएंगे ये वाला, ये कौन सा लगाएं, ये वाला लगाएं, ये हम लगाएं पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। अब देखिए ये पहले काम हुआ इसीलिए हम ये लगाएं, अब जो बाद में काम कौन सा हुआ है, पुलिस के आने के पहले ये काम हमारा बाद में हुआ, तो जो बाद में हुआ है उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से। तो इस पॉइंट को आप पहले नोट करो कि सबसे पहले जो काम हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के माध्यम से, और जो बाद में हुआ उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से, ठीक है। तो फिर क्या है, पुलिस के आने के पहले, अब देखो पहले काम देंगे बिफोर, पहले का क्या देंगे हम, बिफोर देंगे, बिफोर, उसके बाद क्या, पुलिस का आने के पहले, यानी कि द पुलिस कैम, अब आने क्या होता है, आना का काम होता है, लेकिन सूत्र क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा द पुलिस कैम, तो ये इसका सही ट्रांजिशन बनेगा, ठीक है। ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि बोल देगा ट्रेन के आने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो दोस्तों ये आप ना देखिए, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप इसका आंसर हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। देखिए ट्रेन के आने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, सबसे पहले कौन सा काम हुआ, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ए वाला काम हुआ, बाद में ना ट्रेन आई, मैं स्टेशन पहुंच गया पहले, तो इसको हम जो मैंने अब आपको भी क्या बताया, जो पहले काम हुआ उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के माध्यम से, और जो बाद में हुआ उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से, ठीक है। तो इसको बनाना पास्ट परफेक्ट, इसको पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया, हमने क्या देखा, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का तीनों देख लिया, क्या देख लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस भी देख लिया, अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमारा पास्ट टेंस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलिए अब हम देखें क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा लिख देता हूं मैं यहां पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप इसको कॉपी में लिख लो, ये लास्ट प्रकार है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये आपका लास्ट प्रकार का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए इसमें वही फंडा है जैसे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था, सेम फंडा वही इसमें, बस इसमें हेड लगता है, इसमें क्या होता है, हेड लगेगा आपको, ठीक है। चलिए भाई इसका जो कार्य होता है इस टेंस में ना, काम जारी रहता है, वो काम भूतकाल में हो रहता है और काम शुरू होने का समय दिया रहेगा आपको, काम शुरू होने का समय आपको दिया रहेगा, ठीक है, काम भूतकाल में स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं आपको इसका अफर्मेटिव का उदाहरण देता हूँ, इसमें जो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे इसका, पहचाने का कार्य होता है कि आपको दिया रहेगा, जैसे कि उसमें क्या था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो रहेगा सो अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही तरह है। इसमें दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आप देख सकते हैं क्या है, कि जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी, जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी, और हाँ जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, उसमें था रहा है एक काम, उसमें क्या था रहा है था, और इसमें क्या है रहा थी, तो एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान रखिए आप, ये मैंने आपको सूत्र लिखा है दोस्तों, सूत्र आपका मिट गया, तो इसको आप पहले लिख लें, इसको आप क्या करें लिख लें पहले, आप क्या था यहाँ था आपका रहे थे, जिस वाक्यांत में रहा था रहे थे रही थी, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए। अब देखिए इसका हम इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल वैसे है, सूत्र है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस
भी, यानी कि दोस्तों यहाँ आपका भी फोर है, ठीक है, क्या आपका भी फोर है, यहाँ आपका भी फोर। चलो अच्छा से मैं लिख देता हूँ, तो ये सबको मिटा देता हूँ, ये सबको आप पहले ही लिख लो, वीडियो में रोक ले, ठीक है। जिस वक्त के अंत में रहा था, रहे थे ये सब रहेगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जैसा है। इसका सूत्र होता है, वो होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ठीक है, यही होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड या बीन, हेड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, ये किसके लिए होगी, अफर्मेटिव के लिए। अब निगेटिव इसको कैसे बनाएंगे, हेड के हेड में साथ एन जोड़ दें। चलिए इसको हम टेंस देखते हैं कैसे बनाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था, उसमें भी सिंस और फोर का प्रयोग, मैंने सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताया है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैं दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं का क्या होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार आई हैड, हेड सब के साथ लगेगा, आई हैड बिन पढ़ रहा था, तो पढ़ना क्या होता है, रीडिंग होता है, रीडिंग, आई हैव बिन रीडिंग हो जाएगा। बिल्कुल वैसा है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंट परफेक्ट अगर आप सही से समझे हो तो ये भी आप समझे, इसमें कुछ नहीं, बस इसमें था है। तो आई हैव बिन रीडिंग क्या, अंग्रेजी, रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश अब क्या है, दो दिनों से। तो दो दिनों से मैंने आपको बताया कि इसमें आपका पीरियड ऑफ टाइम है, समय फिक्स नहीं है, तो क्या आप फोर देंगे, तो फोर दो दिन यानी कि टू डेज। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छे से समझे हैं तो ये भी समझ जाएंगे। तो ये किसके लिए था, ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, चलिए देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव आपका सूत्र, नेगेटिव का सूत्र लिख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है नेगेटिव में, बस नोट लगा दो, क्या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ये नेगेटिव का लिख लो, अब प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस सिंस या फोर। इसका एग्जांपल जैसे कि उसमें क्या था, इसमें मैंने क्या बताया आपको, मैं दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, इसका इसमें आप नेगेटिव कर दो, मैं दो दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, क्या बोला मैंने, मैं दो दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, बस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बनाने का था अपने हाथ, मैं दो दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, मैं दो दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, आई हैड, सूत्र को देखो आप, नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, बिल्कुल दोस्तों वैसा ही रीडिंग इंग्लिश, अब क्या है, दो दिनों से, यानी कि फोर टू डेज, ठीक है। तो समझ पाए, तो ये था आपका नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव, चलिए अब देख लेते हैं क्या इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का हिंदी क्या होता है, मैंने बताया है, होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप हेड को लोगे, उसके बाद क्या लोगे, सब्जेक्ट को लोगे, उसके बाद आप बीन को लोगे, उसके बाद आप लोगे भी फोर को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद तब तक आप इधर सिंस या फोर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका क्या था कि मैं दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, इसमें क्या देंगे आप, क्या मैं दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट, क्या मैंने कहा ना इंटरोगेटिव बनाने का, नेगेटिव बनाने का अपने हाथ में, क्या मैं दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, लास्ट में क्या देंगे, ये देना जरूरी है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या हैड है, तो हैड देंगे, इसमें कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं, हैड, उसके बाद क्या है मैं का आई, अब हैड आई, उसके बाद क्या है बीन, तो हैड आई बीन, उसके बाद क्या आपका यहाँ देखिए, इसके बाद क्या है भी फोर, तो भी फोर क्या है पढ़ना, तो ये हो जाएगा आपका रीडिंग, तो हो जाएगा रीडिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है दो दिनों से, तो क्या हो जाएगा फोर टू डेज, ठीक है, और लास्ट में इंटरोगेटिव। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है पास्ट
टेंस यहाँ से आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो के साथ जरूर इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा बस आपका फ्यूचर बताया दोस्तों, तब वीडियो आपका खत्म हो जाएगा और आपका टेंस बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो जरूर दोस्तों एक लाइक कर दो यार, कमेंट जरूर करो। ठीक है चलिए, तो ये आपका पास्ट खत्म होता है, अब हम देखेंगे फ्यूचर। चलिए अब देखिए आप फ्यूचर टेंस, अब मस्त जो बस ये लास्ट टॉपिक दोस्तों आपको बस थोड़ा सा और बने रहिए हमारे साथ, बस आपका टेंस आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, अब फ्यूचर देखिए, फ्यूचर टेंस जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इस हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हम इसको भविष्यत्काल, हिंदी में लिख लो जो नहीं जानते हो, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भविष्यत्काल। क्या बोलते हैं? भविष्यत्काल। ठीक है, हिंदी में लिख लो फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है, भविष्यत्काल। ठीक है, तो हिंदी लिख लिया आप सब ने। चलिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, जो इस जो इतना जितना भी होता है ना इसके लास्ट में हमेशा होता है गागेगी, हमेशा आता है जितना भी हो गागेगी सब में आएगा। ठीक है, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं, गागेगी आपका सब में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है, जो भी चीज़ हमारा होगा भविष्य में होगा। जैसे कि हम बात करें कि तुम दो घंटे के बाद मर जाओगे, अब देखो बात दो घंटे के बाद मर जाओगे, अभी नहीं ना, दो घंटे बाद मतलब वो आया नहीं ना, यानी कि वो भविष्य हो, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, दो घंटे के बाद मर जाओगे, भविष्य की बात कर रहा, तो हम बोलेंगे इसको भविष्यत्काल। तुम्हें दो घंटे के बाद, तुम्हें तीन घंटे के बाद, यानी कि हम बोलें तुम्हें कल नौकरी मिलने वाले, यानी कि अभी मिली नहीं है, भविष्यत्कालीन भविष्यवाणी कोई कर रहा है, तुम्हें 2020 में तुम्हें सॉरी 2021 में तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तो ये सब क्या हो, भविष्यवाणी हुआ, तो ये सब भविष्य, इसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब देखिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको हम कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका जो पहचानने का तरीका है वो आपका रहेगा लास्ट में उंगा, क्या रहेगा, उंगा रहेगा, उंगा रहेगा लास्ट में, क्या रहेगा, उंगा या उंगे या उंगे, ये लिख लो आप, ये पहचानने का तरीका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये आप लिख लो आप, ये पहचानने का तरीका। जैसे कि मैं बात करूँ मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो लास्ट में आया ना उंगा, यानी गा उंगा जो भी है, कहीं कहीं आपको गा मिलेगा या उंगा मिलेगा, मैं आपको अच्छे से तरीके से समझा रहा हूँ, मैं खाऊंगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं खाऊंगा, तो पहचाने का तरीका आपने समझ लिया कैसे पहचानेंगे, तो मैंने क्या लिया, मैं खाऊंगा। देखिए ये मैंने क्या लिया है आपका, ये है आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस, तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वी वन प्लस, यहाँ वी वन होगा आपका, यहाँ क्या होगा आपका वी वन होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, वी वन मतलब भरो का पहला रूप। अब देखिए सब्जेक्ट, अब देखिए सेल जो हमारा है वो सेल लगाएंगे हम प्लूरल के साथ, विल लगाएंगे, देखिए विल भी लगाएंगे लगभग, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, सेल जो है वो सिर्फ लगाएंगे आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे। ठीक है, और बाकी इधर जो है सबके साथ विल लगाएंगे, इसको आप नोट करो, आई और वी के साथ सेल लगाएंगे और इधर बाकी जो भी व्यवस्था है उसको हम साथ विल लगाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। चलिए हम इसको बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या, मैं खाऊंगा, तो मैं क्या, सब्जेक्ट आपका यहाँ क्या है आई, तो सब्जेक्ट देंगे हम आई, तो आई, तो आई के साथ मैंने बताया कि सेल लगता है आई सेल, उसके बाद क्या है आपका यहाँ है वी वन, यहाँ क्या है आपका वी वन है, वी वन है कि वी वन, तो खाऊंगा यानी कि खाने का बात कर रहा है, तो खाने क्या ईट होता है, तो ईट का वी वन क्या होता है, ईट ही होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, बस ये हो जाएगा आई सेल इट, अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, ये क्या था आपका अफर्मेटिव था। चलिए निगेटिव देखिए आपका, इसका निगेटिव है आपका सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट, यहाँ नॉट होगा। ठीक है, जरा एक मिनट, यहाँ नॉट होगा, मैं आपको चलो एक बार और लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट होगा। ठीक है दोस्तों, नॉट अब प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप लिख लो, हालांकि इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, इसको आप लिख लो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, उसमें क्या था आपका, इसमें था आपका मैं खाऊंगा, इसमें क्या हो जाएगा निगेटिव में, मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, तो आई, आई के साथ क्या सेल, आई सेल, अब देखिए क्या नॉट लगाएंगे, तो आई सेल नॉट और वी वन, आई सेल नॉट इट। ठीक है, तो मैं नहीं खाऊंगा, तो ये आपका आ गया निगेटिव। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, हम इंटरोगेटिव, चलिए दोस्तों इंटरोगेटिव हम देखते हैं, अब क्या देखेंगे हम इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव देख रहे हैं हम। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट, इसमें होगा आपका सेल या विल प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ये आप सूत्र लिख लो, ये आपका इंटरोगेटिव, हालांकि मैंने इंटरोगेटिव आपको अलग से लिख के नहीं दिया था, तो अभी लिख लो। तो जैसे कि इसमें क्या था आपका, इसमें था मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, अब हम देखेंगे क्या मैं खाऊंगा, लिख लो क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा,
क्या मैं खाऊंगा, पता है आपको जब क्या लगता है लास्ट में ये लगना जरूरी है, तो क्या, तो सेल होगा सेल, उसके बाद आई होगा, अब खाऊंगा क्या ईट, तो सेल आई ईट, तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होता है। अब देखेंगे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, क्या देखेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। चलिए अब देखिए आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में जो पहचाने का तरीका होता है आपका होगा, उसमें फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आपका होगा रहा होगा, पहचाने का तरीका इसको लिखो आप, रहा होगा या रही होगी, ये लिख लो आप, रही होगी या रहे होंगे, ठीक है, या रहे होंगे, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पहचाने का तरीका है, ये आप लिख लो, ठीक है, तो इसको आप लिख लिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो अब इस पर हम देखिए, ये आपका अफर्मेटिव का सूत्र लिखा हुआ है, ये किसका सूत्र है, अफर्मेटिव का सूत्र है, ये किसका सूत्र है, अफर्मेटिव का। चलिए हम इस पर एग्जाम्पल लेके बनाते हैं सवाल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं सोता रहूँगा, मैं क्या सोता रहूँगा, मैं सोता रहूँगा, मैं सोता रहूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है एस, तो इसका आई, अब देखिए सेल, आई के साथ क्या रहेगा सेल, और क्या है उसके बाद बी, तो आई सेल बी, अब क्या भी फोर रहेगा यहाँ, तो सोना का क्या स्लिप होता है, तो स्लिप का भी फोर क्या होगा, तो मैंने बताया आपको भी फोर जब बोले तो आई एन जी बस जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आई सेल बी स्लिपिंग, ठीक है, तो यह अब आपका हो गया, यह आपका हो गया अफर्मेटिव। अब हम देखते हैं निगेटिव, चलिए निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस भी प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट, जैसे हमने इधर अफर्मेटिव में क्या बताया कि मैं सोता रहूँगा, इसमें क्या रहेगा मैं सोता नहीं रहूँगा, इसका क्या बनाएंगे सब, देखिए सूत्र यहाँ क्या है, सब्जेक्ट आई, आई के साथ सेल लगाएंगे, उसके बाद क्या है नॉट है, तो आई सेल नॉट, उसके बाद क्या है बी, आई सेल नॉट बी, फिर क्या है भी फोर, तो भी फोर क्या है स्लिपिंग हो जाएगा, तो आई सेल नॉट बी स्लिपिंग, ये आपका हो गया निगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव, चलिए इंटरोगेटिव देखिए आप, इंटरोगेटिव है सबसे पहले सेल, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट, इसका जो सपोज है क्या मैं सोता रहूँगा, यही ना होगा, वैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट में इंटरोगेटिव जब ये आ गया, तो सबसे पहले क्या देंगे सेल, अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट क्या मैं का क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या सेल देंगे, तो सेल, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आई, उसके बाद क्या आपका बी है, तो सेल आई बी, उसका भी फोर, तो भी फोर क्या, तो भर्व क्या, भर्व सोना ही भर्व हुआ ना, मैं क्या मैं सोता रहूँगा, यहाँ सोने का काम हो रहा है तो सोना भर्व हो रहा है, तो भी फोर लगा दो, स्लिप में आई जोड़ दो, सेल आई बी स्लीपिंग, और लास्ट में ये जोड़ दो, इस तरह से आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी ख़त्म होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो दोस्तों अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सूत्र जो होता है ये अफर्मेटिव का सूत्र, ये किस चीज़ का है आपका, ये आपका अफर्मेटिव का सूत्र, किसका है अफर्मेटिव का सूत्र, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव का सूत्र, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अफर्मेटिव का सूत्र आपका क्या है, अफर्मेटिव का सूत्र आपका सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या विल हैव प्लस यहाँ आपका भी थ्री होगा, ठीक है, भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका जो पहचानने का तरीका है वो है आपका जो लास्ट में रहेगा, जो लास्ट में आपका रहेगा चुकागो चुकेगा चुकेगी चुकेगे, ये सब आपका लास्ट में क्या पहचानने का तरीका रहेगा, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा चुकेगी चुकेगे ये सब रहेंगे प्लस हैं हूँ उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपका सूत्र लिखा है अफर्मेटिव का सूत्र, फिलहाल सूत्र है सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस हैव या विल हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका सूत्र है, ये आपका है अफर्मेटिव का सूत्र, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, अब हम देखेंगे अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं इसको, सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखिए आपका है सीता सो चुकेगी, तो सब्जेक्ट के अनुसार सीता क्या है, सीता सिंगुलर है तो सब्जेक्ट देते हैं पहले सीता सीता, अब यहाँ देखिए सेल हैव लगेगा या विल हैव, क्योंकि विल हैव किसके साथ लगाते हैं, जो आई आई और वी को छोड़ के जितना भी है सबके साथ हम क्या लगाते हैं विल लगाते हैं, तो सीता के साथ क्या लगेगा, सीता के साथ भी विल लगेगा, ठीक है, तो देंगे सीता
देंगे सीता विल हैव अब क्या है भीतरी, मतलब सो चुकी है। सोना का भीतरी क्या होता है स्लीप, तो स्लीप का भीतरी हो जाएगा आपका स्लेप्ट। तो यानी कि सीता विल हैव स्लेप्ट, यानी सीता सो चुकी है। ये था आपका अफर्मेटिव। जैसे कि और एग्जांपल आप देख सकते हैं, और एग्जांपल लेता हूँ मैं जैसे कि आपको बोल दें कि मैं पढ़ चुकूँगा। तो ये भी उसी का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया जिस क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब रहेगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, देखिए मैं है तो मैं कह देंगे आई। अब मैंने आई के साथ मैंने बताया कि आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। ठीक है, आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो फिलहाल आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल हैव लगाएंगे। तो आई सेल हैव हो जाएगा। उसके बाद भीतरी, तो यहाँ मैं पढ़ चुकूँगा, तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, रीड का भीतरी भी रीड ही होता है। तो आई सेल हैव रीड, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका अफर्मेटिव। अब हम देखेंगे इसका निगेटिव देखेंगे। अब क्या देखेंगे इसका, हम निगेटिव देखेंगे। चलिए अब थोड़ा हम इसका निगेटिव देख लेते हैं। इसका हम निगेटिव देखेंगे। चलिए निगेटिव का जो इसका सूत्र होता है लिख लीजिए। सबसे पहले आप पहले ऊपर लिख लीजिए निगेटिव, पहले क्या लिख लीजिए आप, पहले लिख लीजिए आप निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस ये मैं आपको शुरू से बताते आया हूँ कि हर एक टेंस का 3 सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इसका निगेटिव का सूत्र क्या होगा, निगेटिव का आपका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस, इसको नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, इसको नोट करिए आप पहले, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव, नॉट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका सूत्र हो गया आपका, ये हो गया आपका निगेटिव का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया आपका, ये आपका निगेटिव का सूत्र हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, इसका सूत्र हो गया आपका निगेटिव का सूत्र हो गया, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब इस पर आधारित हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, जिससे कि इसका आपको देगा कि उसमें मैंने क्या पढ़ा था, इसमें मैंने आपको भी पढ़ा था, इसमें निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला आपका मैं नहीं खा चुकूँगा। ठीक है, मैं नहीं खा चुकूँगा। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं का क्या आई होगा, आई के साथ वाजिब सी बात है सेल रहेगा, तो आई सेल, उसके बाद क्या नॉट, तो आई सेल नॉट, उसके बाद हैव, सूत्र को देख के आप फॉलो कीजिए। ठीक है, बिना सूत्र के नहीं बनने वाला सूत्र, आप जितना भी मैंने लिखा है सब कॉपी में लिख के, सारे टेंस का सूत्र आप कॉपी में लिख के उसको सारा टेंस आप लगभग दोस्तों आप दिन में अगर एक बार भी पूरा कॉपी उल्टा कर देखते हैं तो आपका पूरा याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो फिलहाल देखिए यहाँ आई सेल नॉट है, अब फिर क्या है भीतरी, तो भीतरी क्या है खाना, तो इसका खाना का ईट होता है और ईट का भीतरी क्या होता है ईटन, तो इसका हो जाएगा आई सेल नॉट हैव ईटन, इसका ये सही ट्रांजिशन बनेगा। ठीक है, तो आपने निगेटिव देख लिया, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। अब क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव। चलिए अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। चलिए मैं अब लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ इंटरोगेटिव, क्या लिख दे रहा हूँ, इंटरोगेटिव। ये भी आप कॉपी में लिख लो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सबसे पहले क्या सूत्र देखें, इसका सूत्र होता है आपका सेल, इसका सूत्र आपका हो जाएगा वो होगा आपका सेल या विल, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूत्र को आप नोट कर लो, सूत्र को आप नोट कर लो।
ये किसका सूत्र है? इंटरोगेटिव का। चलिए हम इंटरोगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, क्या मैं, इसका एग्जांपल मैं बोलूँ आपको, क्या मैं पढ़ चुकूंगा, क्या बोला मैंने, क्या मैं पढ़ चुकूंगा। तो अब देखिए क्या वाला सेंटेंस है, तो लास्ट में ये वाला पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो वो प्रश्नवाचक कहलाएगा ही निकलाएगा। अब देखिए क्या मैं, तो सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या मैं, तो मैं का क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल। आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल। देखिए आप ध्यान से, तो आप सेल, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आई, सेल आई, उसके बाद क्या हैव, तो सेल आई हैव, उसके बाद क्या है, पढ़ चुकूंगा। देखिए अब भर भीतरी आया तो पढ़ना, तो मैंने अभी पिछली वीडियो में, सॉरी पिछले टॉपिक में मैंने अभी ये बताया था कि पढ़ना जो होता है, पढ़ना का भर्व होता है रीड, ठीक है, रीड का भीतरी होता है रीड ही होता है, तो सेल आई हैव रीड, ये इसका सही हो जाएगा। और लास्ट में इंटरोगेटिव बचे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे, बस हमारा एक टॉपिक बचा है, वो बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो देखने के बाद आपका टेंस क्या दोस्तों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस दोस्तों ये लास्ट टेंस है, बारहवां टेंस, ये कौन सा टेंस है, ये आपका बारहवां टेंस, इसके बाद टेंस आपका ख़त्म, जिंदगी भर के लिए आपको याद रह जाएगा, टेंस आपका ख़त्म यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या, ये कंटिन्यूअस वाला जितना भी पार्ट है ना सब एक ही होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको राइट डाउन करो, और ये बारहवां टेंस लास्ट टेंस है, ठीक है। चलिए इसमें सेम आपको वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिला, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिला, सेम प्रक्रिया दोस्तों उसमें भी यही है, ठीक है। इसमें आपको लास्ट में क्या होगा, लास्ट मिलेगा आपको रहा होगा, ये सब मिलेगा, लास्ट में मिलेगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, यही सब आपको लास्ट में सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचाने का नियम आपको पता चल गया है, अब देखेंगे हम इससे सेंटेंस, अब क्या देखेंगे इससे हम सेंटेंस को देखेंगे। चलिए इसका सबसे पहले सूत्र लिया है मैंने, सूत्र कौन सा लिया, सबसे पहले मैंने लिया अफर्मेटिव का, कौन सा लिया है, अफर्मेटिव का लिया। देखिए अफर्मेटिव का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस भी, यहाँ आपका होगा, यहाँ आपका भी फोर होगा, क्योंकि जब यहाँ आपका क्या होगा, भी फोर होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, क्योंकि जब कंटिन्यूस की बात आती है, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आती है, तो उसमें सिंस या फोर का प्रयोग लगता ही है। सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी आप, ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर, ठीक है। चलिए हम इसको बनाते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हल्का ही है, बस इसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, फ्यूचर का ज़्यादा यूज नहीं होता है, फ्यूचर टेंस जो इनडेफिनिट होता है उसका ज़्यादा यूज होता है, और इसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता है डेली लाइफ के स्पीकिंग में, ठीक है। चलिए हम इसको नॉर्मली देख लेते हैं, तो इसका जो मैंने बताया कि कैसे पहचाने वो बता दिया, जिसके लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे। अब देखिए आपका यहाँ है सीता चार घंटे तक नाचती रही होगी, सीता चार घंटे तक नाचती रही। अब सीता भाई क्या, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। चलो भाई देखो, तो यहाँ आपका इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा आपका सीता, अब क्या देंगे यहाँ, विल हैव बीन देंगे, क्या देंगे, विल हैव बीन, तो हो जाएगा सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन, उसके बाद क्या है, भी फोर। अब देखिए नाचना क्या है, वर्ब हो गया, तो भी फोर क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, डांस का डांसिंग हो जाएगा, आई एन जी जोड़ देंगे। जब भी फोर की बात करें, भी फोर की बात करें, यानी कि भी फोर की बात करें, तो भी में आई एन जी जोड़ दो, यानी कि भर में आई एन जी जोड़ दो, उसे ही भी फोर बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ क्या हो गया आपका, तो सीता विल हैव बीन डांसिंग, अब फिर क्या है, देखिए आप देखिए भी फोर हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, फिर उसके बाद क्या है, सिंस या फोर। आप देखो यहाँ सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, आप खुद इसमें अंदाज़ा लगाओ, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको मैंने ये बता दिया, कंसेप्ट अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फोर का प्रयोग कहाँ होता है, ये मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या, चार घंटे तक सीता चार घंटे तक नाचते रहेगी, यानी कि दोस्तों देखो यहाँ तक नहीं होगा, एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ना तक आपका नहीं होगा, यहाँ आपका से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीता चार घंटे से नाचती रहेगी,
या क्या आपका से हो जाएगा, तो 4 घंटे से। अब क्या 4 घंटा कोई फिक्स टाइम है? अब देखो अगर 6 बजे की बात करें, 6 बजे सुबह से, 6 बजे सुबह से बात करेंगे, 6 बजे सुबह से 10 बजे तक, तो 4 घंटा बीच हो जाता है। इसमें फिक्स टाइम दिया है, हाँ 6 बजे से 10 बजे करेंगे तो 4 घंटा हो जाएगा, लेकिन 4 घंटा इसमें फिक्स ही नहीं दिया है। कब से कब तक 4 घंटा हुआ ये फिक्स नहीं, सिर्फ बोल दिया 4 घंटा, तो ये फिक्स टाइम नहीं है। तो इसमें हम 4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 4 4 घंटा है तो क्या हो जाएगा, 4 4 आवर्स, 4 4 आवर्स, ठीक है, 4 4 आवर्स, ठीक है। इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव वाला पार्ट क्लियर होता है। अब देखेंगे हम इसका नेगेटिव वाला पार्ट। अब देखिए जरा इसमें, चलिए ये तो आपका साथ यहाँ यू ऐसा कंटिन्यूस, देखिए इसमें आपका क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल या हैव, इसका हम क्या देखेंगे, अब निगेटिव देखेंगे, तो निगेटिव हम इसका सूत्र बनाएंगे। चलो इसको मैं इरेज़ी कर देता हूँ। निगेटिव हम इसका सूत्र बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल्ड, सब्जेक्ट प्लस इसका सूत्र बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, चलो इसको पूरा इरेज कर देता हूँ मैं, नेगेटिव देख रहे हैं ना, तो नेगेटिव बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया 4, ठीक है, इसको आप लिख लो। ये आपका किसका हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव का, इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव का हो गया, ठीक है। चलिए हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ नहीं रहा होगा, मैं 2 दिनों से, मैं 2 दिनों से पर नहीं रहा होगा, क्या कह रहा है, मैं 2 दिनों से पर नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या, आई, अब आई के साथ क्या लेंगे, सेल, तो सेल लगेगा, तो आई सेल, उसके बाद क्या, नॉट, आई सेल नॉट, और फिर उसके बाद क्या, हैव, तो है आई सेल नॉट हैव, उसके बाद क्या, भीतरी, तो सॉरी V4, यहाँ क्या V4 होगा, यहाँ आपका दोस्तों हो जाएगा V4, ठीक है, V4 होगा आपका, क्या हो गया, V4 होगा, ठीक है। तो आई सेल नॉट हैव, तो V4, तो पर ना क्या रीड होगा, तो रीड का रीडिंग होगा, रीड का आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न जाएगा। अब देखिए कितने 2 दिनों से, कौन सा 2 दिन, 2 दिनों से जब आएगा तो क्या 4 का प्रयोग करेंगे, तो 4 2 days, आप इसको कॉपी में अच्छे से लिख लो, ठीक है। आई सेल नॉट हैव रीडिंग 4 2 days, पहले आप हिंदी लिख लो, मैं 2 दिनों से पढ़ नहीं रहा हूँगा, तो इसका इंग्लिश बनाओ, आई सेल नॉट हैव रीडिंग 4 2 days, ठीक है। तो इसका ये नेगेटिव वाला आपका ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव, चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा इंटरोगेटिव किसका देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव का सूत्र आपका होता है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया 4, तो ये किसका हो गया, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव का, ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव का हो गया, तो इसको लिख लो। अब इस पर हम आधारित सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्या तुम, बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्या तुम 2005 से, क्या तुम 2005 से क्रिकेट खेलते रहे होंगे,
क्रिकेट खेलते खेलते रहे होंगे। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, क्या तुम, अब देखो यू है तो मैंने बताया आपको आई और वी को छोड़ के बाकी जो सब है उसके साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये बात आपको बखूबी पता होगा, मैंने बताया पहले भी। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू। तो क्या देंगे, विल लेंगे हम, क्या लेंगे, विल लेंगे। तो लो आप तो देंगे विल, विल आप इसको कॉपी में नोट करते जाओ अच्छा रहेगा आपको, विल। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है यू, तो हो जाएगा आपका विल यू, विल यू। फिर क्या हैव, तो विल यू हैव। फिर क्या आपका बीन, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका है भी फोर, तो भी फोर मतलब भर्ब। तो भर्ब क्या हो गया, खेलना, तब क्या प्लेइंग, तो खेलना का प्ले होता है तो प्ले का प्लेइंग होगा। देखिए मैं विल यू हैव बीन यहाँ लिख दे रहा हूँ, विल यू हैव बीन मैं आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका प्लेइंग, जगह नहीं के कारण प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट। अब क्या 2005 से, मैंने बताया था 2005 से, यहाँ टाइम दे रखा है, यानी टाइम फिक्स है 2005 से बोल रहा है, तो क्या देंगे सिंस 2005, सिंस 2005। देखिए दोस्तों ये मैं थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया है, अब मतलब गड़बड़ नहीं किया है, आप थोड़ा इसमें मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया हूँ, तो इसका आप संपूर्ण जो टेंस होगा वो होगा विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। इसको आप कॉपी में ऐसे नोट कर लो, विल यू सबसे पहले क्या होगा, विल यू हैव बीन, उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, और उसके बाद सिंस 2005, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट में देंगे इंटरोगेटिव का चिन्ह, इंटरोगेटिव का चिन्ह देना, क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ से आपका टेंस आपका दोस्तों खत्म होता है। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों आपका कहाँ समझ में आया। तो ऐसे तो सभी जगह समझ में आया क्योंकि मैंने कंसेप्ट अच्छे से बताया, ठीक है दोस्तों। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक अच्छे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में दोस्तों।